बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी आवाज़ ट्रांसमिशन में एक भेरो बीहर सबाबड़ो तुम्हारे सामू हाजिर है। उम्मीद क्या थी तो ठीक ठाक हों, खुश हों, खैर आफियत से हों, घर में पैं प्यार बार खिलंदा मुस्कुराइंदा रहा हों। इहा दुआ मैं हमेशा तुम सभी के लिए कंदी आया, कोशिश कंदा कि सभी के पैं दुआ में जरूर याद रखो। जी अजक जी लाइफ है, सभी के खबर है तो स्ट्रगल लाइफ है, उन में असी बारन के थोड़ो घट टाइम दियो था। हाने असी जड़े पांजे वडड़न ते नजर विझंदा आहूं ता उहे असां जो तमाम घणो ख्याल रखंदा हुआ। पहिरे जमाने में उहे असां जी एक्टिविटीज़ ते नजर विझंदा हुआ ता असां जो बार टाइमली कुरान पाक ते वञे थो, टाइमली ट्यूशन ते वञे थो, टाइमली पांजो होमवर्क करे थो, वरी उन्हनि जो चेक एंड बैलेंस बि रखंदा हुआ। अॼुकल्ह जी जेकी फास्ट लाइफ आहे, ख़ासि करे असीं कराची जी ॻाल्हि करे वठूं या ॿियूं जेके असां सिटीज़ आहिनि, फास्ट सिटीज़ आहिनि, इस्लामाबाद आहे, लाहौर थी वियो, टाइम घणो कंजेस्टेड थी वियो आहे। ऐं असांजा ख़ासि करे जेके न्यू जनरेट पेरेंट्स आहिनि, जेके नयूं नयूं शादियूं कनि था, उन्हनि खे ॿार थिए थो, पहिरीं त हू ॿार लाइ आया रखनि था। आया उहा तरबियत नथी करे सघे जेके पीउ माउ करे सघनि था। वरी उन खां पोइ असीं उन्हनि खे 2 साल जो ई ॿार मस थिए थो त उनखे कंहिं स्कूल में प्ले ग्राउंड में असीं विझी छॾियूं था त बसि हीअ इन्हनि जी ज़िमेदारी आहे, त इते ई हाणे ॿार सिखंदो पियो, उनखे तरबियत मिलंदी। इहो बिल्कुलु कॉन्सेप्ट ग़लति आहे। तरबियत जेकी पीउ माउ कंदो आहे उनखां वधीक तरबियत कोई करे ई नथो सघे। ऐं उनखां पोइ अचे थो उस्ताद जो दर्जो, जंहिंजे असीं हैंड ओवर पंहिंजो ॿार कयूं था। अॼुकल्ह असीं तालीम ॾिसूं था त तालीम बि उहा मे बि असांजे ॿार खे नथी मिले। बैग्स त इलाही हैवी आहिनि, पर छा असांजो ॿार उहा शइ सिखे थो जेकी असीं चाहियूं था? मुआशरे में उथणु वेहण जो तरीक़ो, ॻाल्हाइण जो तरीक़ो, खाइण पीअण जो तरीक़ो, इख़लाक़ियात, अदब किथे आहे? असांजा ॿार असांखे अॼुकल्ह मुंहं ते जवाबु ॾींदा आहिनि, जॾहिं त असीं पंहिंजी जनरेशन खे अगरि असीं ॾिसूं था त असां पंहिंजे वॾनि खे अॼु ॾींहं ताईं जवाबु न आहियूं ॾींदा। भले उहो असांखे केतिरो बि ॻाल्हाइनि, भले असांजी ग़लती बि हुजे, पर वॾे जो भउ हूंदो आहे। भउ इन खे न चइजे त असीं उन्हनि खे उन्हनि खां डिॼूं था, ख़ौफ़ था कयूं, बल्कि इहा उन्हनि जी रिस्पेक्ट हूंदी आहे, इज़त हूंदी आहे। ऐं मे बि असीं चवंदा आहियूं त इन में असांजे लाइ का समुझाणी हुजे थी। अच्छा, ॿारनि खे अगरि असीं तवजो जो मर्कज़ न ठाहींदासीं त ॿार ग़लति एक्टिविटीज़ में हलिया वेंदा। हाणे ॿारनि जा बि अलॻि अलॻि मूड्स थियनि था, ज़ाहिर आहे ॿार जो अलॻि मिज़ाज आहे, अलॻि तबियत आहे, हर कंहिंजी खाइण पीअण जो स्टाइल अलॻि आहे, छो त पेरेंट्स जे हिसाब सां जेनेटिक प्रॉब्लम्स बि थियनि थियूं, उन हिसाब सां ॿार वाध वेझ ॿार जी थिए थी। ऐं काफ़ी अहिड़ा ॿार ॾिठा विया आहिनि असांजे मुआशरे में जेके एबनॉर्मल बि हुजनि था। ज़रूरी नाहे त हर ॿार नॉर्मल ई हुजे, 70% अगरि असां वटि ॿार नॉर्मल आहिनि त 30% एबनॉर्मल बि हूंदा, जेके ब्लाइंड बि थी सघनि था, डीफ टर्म, जेके कुझु बि उन्हनि जो मे बी स्ट्रक्चर में किथे बि उहे सही न हुजनि, डिसेबल हुजनि। छा उन्हनि खे असां डिमोटिवेट करे ई घर में विहारे छॾियूं था? असांजो इहो रोल हुजे थो मुआशरे में, या उन्हनि खे असां पंहिंजे कंहिं नॉर्मल ॿार खे मना कंदा आहियूं त न, हिन ॾे न वञो, हिन जे वेझो न वञो, हिन सां न ॻाल्हायो, छो त हू एबनॉर्मल आहे, हू तव्हांखे नुक़सानु पहुचाईंदो। छा इहा असांजी साइकी सही आहे? बल्कि असीं त काफ़ी अहिड़ा मुआशरे में ॿार ॾिठा आहिनि जेके एबनॉर्मल हूंदे बि पंहिंजी लाइफ में गोल अचीव कनि था, ऐं हू कंहिं न कंहिं प्लेटफॉर्म ते असांखे ॾिसण में अचनि था त हा, हीअ बि कुझु करे सघनि था। अहिड़े ॿारनि खे डीमोटिवेट छो कबो आहे, ऐं असीं पंहिंजे ॿारनि खे उन्हनि खां परे छो कंदा आहियूं? अगरि असां वटि को बहितरीन ॿारु आहे, उन में का एबिलिटी आहे, त उनखे प्लेटफॉर्म फराहम करणु खपे या न खपे? ऐं अगरि प्लेटफॉर्म फराहम कयूं था त कहिड़ो? ऐं उनजी तरबियत वाध वेझ ते असीं केतिरी नज़र विझूं था? अॼु असीं इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छो त बेसिक ॿार जी जेकी आहे उहा पकी हूंदी। अगरि जीअं असीं तालीम जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असां ॿार खे इंग्लिश स्कूल में छो विझंदा आहियूं? त बेसिक ॿार जी पकी हुजे, ऐं अगरि घर जी बेसिक ई कची हुजे त ॿारु अॻिते हली छा थींदो, इहो तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे। सो इन हवाले सां असां वटि महिमान, बहितरीन महिमान अॼु मौजूदु आहिनि, उन्हनि जो तारीफ़ मां तव्हांखे ज़रूरु कराईंदी हलंदमि। असां वटि जेके मौजूदु आहिनि उन्हनि खे सितारा इम्तियाज़ मिलियल आहे, प्रोफेसर आहिनि, ऐं जेके डिपार्टमेंट ऑफ क़ुरान ऐं सुन्ना में उन्हनि जी प्रोफेसर उहे आहिनि, ऐं एम ए कई आहे हुननि, गोल्ड मेडलिस्ट आहिनि, LLB कई आहे, PhD कई आहे, पोस्ट डॉक्टर आहिनि फ्रॉम USA मां उन्हनि जेको कयो आहे, फॉर्मर चेयरपर्सन आहिनि डीन एंड एक्टिंग वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में आहिनि ऐं प्रेसिडेंट काउंसिल आहिनि ऑफ ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी में हुन जी आहे ऐं ग्लोबल स्कॉलर हू रही चुका आहिनि। सेमिनार्स केतिरा ई हुननि अटेंड कया आहिनि ऐं हिननि सेमिनार्स कराईंदा बि आहिनि ऐं हुननि में एक्टिव रहंदा आहिनि। गॾो गॾु 35 बुक्स पब्लिश हुननि जा थी चुका आहिनि ऐं गॾो गॾु प्रोड्यूस कयो आहे, हुननि जेकी मेन थिंग हुननि जी आहे, हुननि प्रोड्यूस कयो आहे 43 PhD इन सोशल साइंसिस। उन्हनि खां पुछंदासीं त कहिड़ियूं 43 PhDs आहिनि। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, जिन खे पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कयूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? बिल्कुलु अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तबियत सेट है आपकी। अच्छा नाज़रीन, असां सां गॾु ॿी महिमान जेके मौजूदु आहे, उहे बि अहिड़े ई प्लेटफॉर्म ते कमु कनि थियूं जेके एबनॉर्मल ॿारनि खे बि हिकिड़ो प्लेटफॉर्म फराहम कनि थियूं, इहा बहितरीन ॻाल्हि आहे। एक्टिव आहिनि पंहिंजी लाइफ में, MD ज़ामिन बिल्डर्स आहिनि, चेयरपर्सन आहिनि बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन जो, फाउंडर आहिनि ख़ुदि ई पाकिस्तान जो। पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कयूं था सरवत ऐं शाह साहिबा खे, अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? ठीक है, तबियत सेट है आपकी? अच्छा, ॿियूं जेके असां वटि महिमान आहिनि माशाला सां, उहे बि सोशल एक्टिविस्ट आहिनि, यूथ लाइ घणो ई कमु कनि थियूं। फाउंडर एंड CEO यूथ एक्टिविस्ट आहिनि, फाउंडर एंड CEO टैलेंट ऑफ पाकिस्तान आहिनि, यूथ फाउंडेशन मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर आहिनि, होस्ट आहिनि ऐं ह्यूमन राइट्स ते बि हुननि जो घणो कमु आहे। मिस सबीन जावेद खे पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कयूं था, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा नाज़रीन, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं यूनिवर्सिटी ते त ईंदा ई सी, पर बेसिक जीअं मां ॻाल्हि कई हुई त बेसिक ॿार जी एजुकेशन छा हुजणु खपे, पहिरियों मां सवाल इहो कंदमि त आप बताए मुझे कि फस्ट ऑफ ऑल बच्चे की जो बेसिक है वो हमें कैसे सही करनी चाहिए एज अ पेरेंट? जी देखिए, सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है वो पेरेंट के हाथ में आता है, तो जाहिर है पेरेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बाद स्कूल और टीचर का उसकी लाइफ में इन्फ्लुएंस शुरू होता है। तो पेरेंटिंग जो है, एक सबसे जो बड़ा अलमिया है वो ये होता है कि पहले हम देखते थे कि पेरेंट्स देखिए ये जनरेशन्स में ट्रांसफ़र हो जाती थी नॉलेज, और लोग अपने बच्चों को जिस तरह पालते थे उनको दीन की भी नॉलेज होती थी, उनको वो सीख भी लेते थे वक्त के साथ साथ। लेकिन अब ये जो इशू आ रही है चीज़ जो, वो ये है कि पेरेंटिंग हम कहीं से नहीं सीखते। हमारे जो पूरा वक्त गुजरता है यूथ से लेकर, हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, सालों साल लगा देते हैं जिस फील्ड में हम जाते हैं, और उसके बाद भी ऑन जॉब ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है। लेकिन पेरेंटिंग जो है ना, वो बिल्कुल हम कोरे होते हैं जिस वक्त हमारे पास बच्चा आता है जी। तो क्योंकि हमारी सारी लाइफ इन सब चीज़ों में गुजरी होती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाई, जॉब एक्विजिशन, फिर जॉब पे प्रमोशंस और इन चीज़ों पे, तो जब बच्चा आता है तो आमतौर पर जो अब देखा गया है कि जो न्यू पेरेंट्स हैं वो लॉस्ट होते हैं, ट्रायल एंड एरर से फिर बच्चा बड़ा करते हैं। तो ये डिलेमा है कि हमारे यहाँ का जो बर्थ रेट है वो इतना ज़्यादा है, इतने बच्चे माशाल्लाह पैदा हो रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है वो उनके पास डायरेक्शन नहीं है कि हमें बच्चे को कैसे बड़ा करना है। अब बच्चा जो है, हम सबसे पहले जाहिर है जब हमें बिल्कुल हम रेडी नहीं होंगे तो हम सिर्फ उसकी फिजिकल वेलबींग का ख्याल रखते हैं कि वो फिजिकली वो रो रहा है तो उसकी नीड्स पूरी करें, उसका डायपर, उसका दूध, उसकी सेफ्टी, उसकी इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। फिर वो चलना कब शुरू हुआ, बोलना कब शुरू हुआ, तो ये सारे माइलस्टोन्स की हम फिक्र करते हैं। तो जो फिज़िकल हेल्थ है उसका तो माँ बाप अपने तौर पर ट्रायल एंड एरर जिस तरह से भी कोशिश करें वो ज़रूर ख्याल रख रहे हैं और बहुत मेहनत हो रही है। लेकिन एक ह्यूमन बींग जो है ना, उसकी लाइफ सिर्फ उसकी फिजिकल बींग नहीं होती, उसकी जो पर्सनालिटी है पूरी, उसके अंदर उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ, उसकी सोशल हेल्थ, ये सब कुछ एक मिलके एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, और वो जब बच्चा पैदा होता है तब से ही शुरू हो जाती है। तो जब हम फिज़िकल चीज़ों में इतने इंग्रोस हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उसी चीज़ को ज़ाहिर समझने में और अच्छे से अच्छा करने में वक्त गुजार देते हैं, तो बहुत सी चीज़ें और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो ये इस अमर की इस वक्त ज़रूरत है कि हम एक बच्चे को एक फुल ह्यूमन बीइंग की तरह उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करें, और सिर्फ उसकी फिजिकल वेलबींग, बल्कि थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाता है तो फिर उसकी एकेडेमिक्स, ये हमारा जो हमारी तवज्जो का मरकज़ बन जाता है कि अब किस स्कूल जाएगा, किस ट्यूशन में जाएगा, कहाँ पढ़ेगा, कितनी देर पढ़ेगा, घर में बैठ के भी होमवर्क कराना और मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाना, तो एकेडेमिक्स फिर फोकस बन जाती है। तो फिज़िकल हेल्थ और एकेडेमिक्स, ये आप बच्चा बड़ा होता जाता है, यूनिवर्सिटी तक चला जाता है, हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर और ग्रेड्स पे इस पर फोकस कर रहे होते हैं, जबकि बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी के जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं। सरवत साहिबा, बहुत अच्छी बात की आपने। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब से पूछेंगे कि क्या कहेंगे बेसिक पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए बच्चे की? माशाल्लाह, बहुत उम्दा आपका सवाल है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके आवाज़ ने इसको बुनियाद बनाया, क्योंकि इस वक्त हमें जो ज़रूरत है हमारे नई जनरेशन जो बच्चे हैं उनकी तरबियत की।
देखें, बच्चा जब घर में पैदा होता है तो आजकल जो हमारा कल्चर है, हम कहते हैं अगर बच्चा पैदा हुआ तो कह रहे अल्लाह की नेमत है, बच्ची पैदा हुई तो अल्लाह की रहमत है। तो हमें इसी पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। और जहाँ तक नेमत का ताल्लुक है, बच्चा है वो नेमत है या रहमत है, तो ये भी अगर हम उसकी तरफ आ जाएं, आप थोड़ा सा दीन की तरफ आ जाएं, तो उसमें बुनियाद यही है कि भाई ये जो अल्लाह ताला ने जो नेमत और रहमत दी है इसलिए दी है कि आप इसकी कदर करें, क्योंकि अल्लाह का ये भी फरमान है कि वो अम्मा बिनेमत रब्बिक फहद्दिस, कि तुम्हें जो हम नेमत दें उसका तुम जिक्र करो, इजहार करो, उसको शेयर करो दूसरों के साथ। तो पहली बात तो ये है कि हमने इसी पर्सपेक्टिव में बच्चों को देखना चाहिए। दूसरी जो हमारे लिए सबसे बड़ी पैराडाइम है, ज़िंदगी है, वो ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे नबी की बचपन की ज़िंदगी। दो चीज़ें वहाँ बड़ी अहम हैं। एक ये कि आपने फरमाना कि मल्लम यरहम सगीरना वलम तुअख्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना, जिसने बच्चों पर रहम नहीं किया, बच्चों को मर्सी से नहीं पाला रहम से, और जिसने बड़ों की कदर नहीं की, वो हम में से नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है कि बच्चों को हमने किस तरह करना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें अमल क्या था? मसलन एक सहाबी आती हैं, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, ये मेरा बच्चा जो है ना, ये गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे कल लेके आना। वो कह सकते नहीं खाता। ठीक। वो दूसरे दिन फिर ले आई कि अल्लाह के रसूल, बोला हाँ बेटे ये चीज़ अच्छी नहीं खाना। तो अल्लाह के रसूल, तो आप कल भी कह सकते थे। बोला कल तक मैं भी मीठा बहुत खाता था, मैंने अब उसको छोड़ दिया है, तो तब मुझे ये हक है कि मैं इस बच्चे को कहूँ क्यों। तो हमें इसी तरह तरबियत करनी है कि हमें पैराडाइम बनना है कि हम ये बताएं कि ये देखे ना, बच्चा तो वालदैन ही है ना, पहले माँ की गोद से फिर बाप से सीखता है। तो हमें उससे सामने यानी मिसाल के तौर पे पेश करना चाहिए। आइडियाज़ तो बहुत हैं, फिलासफी तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जिसे हम अप्लाइड कहते हैं, वो हमें बच्चे की परवरिश में करना चाहिए। और सबसे पहले ये है कि कल्चर का बहुत हमें ख्याल करना चाहिए। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनको घर में नहीं पाला गया, बल्कि कल्चर के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक उनको देहात में भेज दिया गया जी। ताकि उनकी फिजिकल कंडीशन भी बेहतर हो और वहाँ पर वो स्पिरिचुअली भी एक अच्छी तरह एक बढ़ के आगे जाए। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो एक तो ये कि अपने कल्चर से नहीं हटना चाहिए जी। और वो कल्चर इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे दौरे हाजिर की ज़रूरत है। हम जो ही कल्चर को छोड़ते जाएंगे, नई चीज़ों की तरफ जाएंगे बगैर कल्चर को टच किए हुए, तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी, बच्चे की जहन पे भी उसका असर होगा। तो असल चीज़ यही है कि हमें बच्चों की जहन साजी इस तरह करनी है कि अमली तौर पर, ताकि बच्चे को कहना ना पड़े, वो देखे कि भाई अच्छा ये अब्बू क्यों सजदा कर रहे हैं, देखें आप, देखें आप नमाज पढ़ते हैं ना, तो छोटा बच्चा वो भी आके वो क्या है, वो आपको फॉलो करता है। तो वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो प्रैक्टिकली अपने आप को बच्चे के सामने पेश करें कि बेटे आपने यूं चलना है, तो फिर बच्चा उसी को सीख कर आगे जाएगा। और जब माशरे में जाएगा तो वो न सिर्फ अपने लिए बेहतरी, अपना गुड नेम कमाएगा, बल्कि अपने वालिदैन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए भी नेक नामी का सबब होगा। बेहतरीन बात डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब ने बहुत बेहतरीन बात की। नाज़रीन वक्त थे वाहे ब्रेक जो नंढड़ो ब्रेक था वटूं वापस अची न गालन के ताई कंटिन्यू था कयो। वेलकम बैक इन मॉर्निंग विद आवाज़ ट्रांसमिशन। आई हियर जी की ट्रांसमिशन आयो वा ता लाइव दिसी रहा हो आवाज़ टीवी ता। असा सा गद सबीन साहिबा भी मौजूद आहन जेके सोशल एक्टिविस्ट आहन। उनन का पुछंदा सी कि पेरेंट की काउंसलिंग कैसी होनी चाहिए। हम बच्चों के लिए तो बातें करते हैं लेकिन खास करके पेरेंट्स के लिए हम कुछ नहीं करते, तो उनको काउंसलिंग की कितनी जरूरत है? पेरेंट्स के लिए तो सबसे पहले काउंसलिंग बनती है कि इफ़ यू आर नॉट मोटिवेटेड देन यू कान मोटिवेट अदर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोटेशन यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ फर्स्ट, उसके बाद ही आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे। क्योंकि आपके बच्चों के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले टीचर्स हैं जी। वो स्कूल बाद में जाते हैं, पहले अपने पेरेंट्स से सब कुछ सीखते हैं। तो वो इस तरह से रोल मॉडल होना चाहिए उनके लिए कि वो अपने बच्चों को, जब तक स्कूलिंग शुरू नहीं हो जाती है, वो बेहतर तरीके से उन्हें गाइडेंस दे सकें। और स्पेशली जो उन्हें मैनर्स होते हैं, सबसे पहले वो एथिक्स मैनर्स अपने घर से सीखते हैं right. तो उनको वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जाएं। मतलब सम टाइम पेरेंट्स बहुत रैश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, तो फिर वो बच्चों पे वो तवज्जो नहीं दे पाते। तो मेरे ख्याल में उन्हें चाहिए कि अगर उनकी बहुत बिजी लाइफ है, अगर वो कहीं सोशल भी हैं, कहीं जॉब भी करें,
तो भी मेट्स पर या आजकल गॉर्जियन का आपने देखा है कि गॉर्जियंस पे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, तो ये ना करें, इस तरह से वो इग्नोर होते हैं और फिर उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें एक्ट करना सिखाएं, रिएक्ट करना ना सिखाएं और उन्हें टाइम दें। और यही पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं जो मेरे पापा की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, तो मेरी मदर एक सिंगल पेरेंट है, तो आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर एज अ स्टूडेंट पर्सन, तो मुझे मामा ने बड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मुझे लेके रही, और मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि वो मैं कहीं भी गलती करने लगती थी तो मुझे बहुत अच्छे से गाइडलाइन करती थी, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे से मोटिवेट थी जी। उन्हें पता था कि मेरी बेटी क्या चाहती है, इवन के समटाइम मैं कहती नहीं थी, वो मेरे एक्सप्रेशन से जज कर लिया करती थी, इसको ये प्रॉब्लम है ये इसे ये रिक्वायर्ड है। तो पेरेंट्स को यही मैं कहना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना है, स्पेशली बेटियाँ कहती हैं कि हमारी जो फेवरेट हीरो है हमारे पापा हैं जी। इसी तरह से बेटियाँ भी अपनी माँ को जो है वो बहुत आइडियलाइज करती हैं, तो अगर पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हों और वो अपने बच्चों के लिए आइडियल एक लाइफ बना सकें, तो फिर चाहे वो किसी भी स्टेज पर होते हैं लाइफ में, स्कूलिंग है, उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन कि उनकी जब अपनी सोशल लाइफ शुरू होती है, उनका कैरियर अपना शुरू होता है, तो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। बेहतरीन। और जो बच्चे मेरे ख्याल में जिनको टेंशन नहीं मिलती हैं, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती, तो फिर वो एबनॉर्मल से रहते हैं, मतलब रिएक्ट करना और फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सब सिचुएशंस आती हैं, तो उसको उस तरह से फेस नहीं कर पाते। तो रोल मॉडल हर पेरेंट्स को होना चाहिए, और मेरा इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद पेरेंट नहीं हूँ, आई एम सिंगल पर्सन, तो मैं जो अपने मामा पापा को मैंने देखा, तो वो मेरा एक्सपीरियंस मुझे यही कहता है कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करते थे, अगर कभी गुस्सा हो जाते थे तो भी वो मुझ पर शो नहीं करते थे। सही। तो अगर आपस का कोई इख्तलाफ है भी, तो वो कोशिश करें कि अपने हद तक रखें, बच्चों के सामने रिएक्ट ना करें, उन्हें शो ना करें, क्योंकि बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। आपने सही कहा। सेवल साहिबा, इस हवाले से आप हमें बताएं कि एक बच्चे पे जब पेरेंट्स चिल्लाते हैं या बहन भाई कोई चिल्लाता है, उस पे बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है? दूसरा ये कि क्या बच्चा भी फिर शाउटिंग करता है या मारना पीटना, ये सारी जो चीज़ें एनवायरनमेंट में हमारे आती हैं, क्या बच्चा इससे इफेक्ट होता है? जी देखिए, बिल्कुल, बच्चों की जो साइकोलॉजी है, जो बच्चा जब पैदा होता है, आपने देखा है किसी स्कूल नहीं जाता, किसी यूनिवर्सिटी नहीं जाता, सबसे पहले वो बोलना सीखता है। तो लैंग्वेज जो है वो इतनी बड़ी एक लर्निंग है, इतनी बड़ी एक स्किल है, जो कि वो बाय रेप्लिकेशन सीखता है, सिर्फ दूसरों को बोलते हुए उनके टोन, उनके अंदाज और उनके उन सारी चीज़ों के मतलब अखज़ कर लेता है और वो लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है। तो जैसे वो लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है, इसी तरह रवैयों को भी अडॉप्ट करता है। तो अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिन बातों पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर लोगों के अंदर सब्र नहीं है, वो हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, तो बच्चा भी उसी तरह से, उसके भी कोपिंग मैकेनिज्म वही वाले डिवेलप हो जाएंगे कि इस चीज़ पर, इस लेवल पर रिएक्ट कर देना है, रुकना नहीं है। तो जैसे कि उसने लैंग्वेज सीखी एनवायरमेंट से, उसी तरह वो ये रवैये भी सीख लेता है। और पेरेंटिंग का जैसे आप कह रही हैं, पेरेंटिंग देखिए, हमने जैसे खुद ही पाकिस्तान के अंदर जो अभी अपने सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हालांकि हमारे पास यूथ के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, बट सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो हमने लॉन्च किया है, पेरेंटिंग अपग्रेड प्रोग्राम, कि हम सब पेरेंट्स जो है वो ट्रायल एंड एरर से बच्चे बड़े करें। मैंने जब आज से 13 साल पहले अपने, मेरा बेटा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, तो मैंने अपना लीगल करियर छोड़ के फिर एक किताब लिखी थी पेरेंटिंग के ऊपर, क्योंकि मैं खुद उस सब चीज़ों से गुजर रही थी कि हमें हर पॉइंट पर हम आके ब्लैंक हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं आगे करना क्या है। तो वो मैंने अपने सारे जितने नोट्स थे उन सबको मिला के एक पेरेंटिंग, जैसे कि अभी कहा कि इन्होंने कहा, जैसे प्रोफेसर साहब ने, कि दीन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग में। हम वेस्टर्न बुक्स पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ज़बरदस्त बुक्स हैं, लेकिन उसमें हमारे कल्चर और हमारे दीन का आता नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के बगैर हम मुकम्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और इसी तरह कोई भी काम, पेरेंटिंग भी मुकम्मल नहीं होती। तो हमें इन सारी चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है। जैसे हमने इसमें ये किया, कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेशन का मॉड्यूल ज़रूर रखा है, क्योंकि आज ये सारी, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। आप देखें, जिस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, उस वक्त वो प्रॉब्लम्स थे, अब डिजिटल रेवोल्यूशन आई है, हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, उसमें डिजिटल रेवोल्यूशन आई है। बच्चे जिस तरह से फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन पे जो कंटेंट है, जिस तरह से AI जिंदगियों में आ रहा है हमारी, तो हम उसके लिए रेडी नहीं है, हमारी कोई प्रेपरेशन नहीं है। तो अब क्या होता है, वो चीज़ें आती हैं, हमें नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, परेशान हो जाते हैं, फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, स्कूल लाइफ डिस्टर्ब होती है,
बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, फिर हमें उसका उस मसले का हल समझ आता है। तो हम इस जो डिजिटल रेवोल्यूशन में रोज नया चैलेंज आ रहा है, रोज एक नया मसला हमारे सामने पैदा हो रहा है, तो हमें उसके लिए रेडी होना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, हमारा बच्चा अगर कोई ऐसा बिहेवियर शो करेगा, या हमारे बच्चे, आप देखें सिबलिंग राइवलरी के इशूज हैं, स्क्रीन एडिक्शन के इशूज हैं, जो कि पहले कभी नहीं थे दुनिया में, तो अब जो ये नए मसले आ रहे हैं उनके लिए पेरेंट्स को रेडी होना जरूरी है और अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखना बहुत जरूरी है। बच्चा कोई भी बात आके कह दे तो सबसे पहले आप शुक्र अदा करें कि आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है और आपसे डिस्कस कर रहा है, क्योंकि उसके पास अब इतने एवेन्यूज हैं बात करने के लिए, और इवन गूगल है या सिरी है या इतने सारे एआई मॉड्यूल्स हैं कि जहाँ पे वो बात कर सकता है, वो आपसे पूछे भी ना। बट जो एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी का कॉन्सेप्ट है, फैमिली का कॉन्सेप्ट है, उसको हमें उस बॉन्डिंग को बना के रखना है, और जब बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है तो आपको उस ट्रस्ट को अब होल्ड करना है। सैवद साहबा बेहतरीन। अब्दुल रशीद साहब से पूछना चाहेंगे कि जैसे सैवद साहबा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी हमारे ज़िंदगी में आ रही है बहुत तेज़ी से, सो व्हाई वी आर नॉट रेडी फॉर दिस? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, हमें तो इसके लिए रेडी बिल्कुल रहना चाहिए। असल ये है कि आईटी या कोई भी प्रोग्राम हो, वो बुनियादी तौर पर कोई ख़राब प्रोग्राम नहीं होता, नहीं है। उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, उसको अगर हम, हमारा बच्चा अगर आईटी के ज़रिए अपडेट हो रहा है, देख रहा है कि दुनिया में क्या, देखें ना, हम दुनिया से आप कहते हैं कि भाई हम लोग ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं जी। तो ऐसे ग्लोबल विलेज में तो आप बगैर आईटी के तो कैसे मालूम करेंगे कि इस वक्त यूरोप में बच्चों का एटीट्यूड क्या है, उनके वालिदैन का तरीक़ाकार क्या है, ठीक है, और पूरी दुनिया में, बल्कि यूरोप के अलावा अमेरिका, पूरी दुनिया में आप देखें कि वहाँ बच्चों के लिए क्या है कि भाई सुबह जॉब पे चले जाते हैं, बच्चों को वो वहाँ के केयर छोड़ जाते हैं। तो ज़ाहिर है, असल ये है कि जो इन्होंने बात बड़ी उम्दा की कि आपको ज़ाती तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तक बच्चों को बातचीत तवज्जो नहीं देगी, और फिर उनको ये बताना है कि भाई ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम का आपके लिए फ़ायदा ये है। बच्चों को ये बताया जाए कि इस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप जो कार्टून देख रहे हैं बेटे ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस कार्टून में ये जो चीज़ है ना, ये आपको बड़ा फायदा देगी, फिर आप देखिएगा वो नेक्स्ट टाइम उसी को देखेगा, क्योंकि बच्चे को आप लाएंगे ना इस तरफ कि भाई तुम्हारा फ़ायदा किस में। और ये इंसान की फितरत है कि वो अपने फ़ायदे के लिए सोचता है पहले, और ये ज़रूरी भी है। तो इसलिए कि आईटी जो है या कोई भी प्रोग्राम हो, हम या साइकोलॉजिकल आप देख लें, कोई चीज़ देख लें, तो हम बच्चे को उस तरफ लाएँ। या मसलन बच्चा टीवी देख रहा है, तो थोड़ी देर के लिए जरा खबर भी लगा दें, ताकि बच्चों को पता चले कि भाई खबर भी कोई चीज होती है। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, ये तो आपने सही कहा, हम न्यूज काफी कम सुनते हैं, ये आजकल जो सोशल मीडिया है, क्लिप्स वगैरह आते तो हम उसमें देख लेते हैं, लेकिन बात करें अगर हम यूथ की, तो यूथ ज्यादा एक्टिव है हमारी, 63% हमारे पास यूथ है पाकिस्तान में। परेशानी कहाँ है, क्योंकि यूथ पढ़ भी रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख रही है, आईटी में भी आ रही है, स्किल्स भी है हमारे पास, फिर परेशानी कहाँ है? परेशानी यहाँ है कि वो जब देखते ये हैं कि भाई ये हम इस वक्त सोशल मीडिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हमारी अम्मी तो उस पर नहीं आ रही पूरी तरह, हमारे अब्बू तो उस पर पूरी तरह नहीं आ रहे, हमारे अब्बू तो हमें उसे मना कर रहे हैं, अब्बू तो असल चीज़ जो मैंने पहले आपसे किया ना कि उसकी अप्रोच को हम बेहतर बनाएं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी यूथ जो है ये इस आईटी की तरफ जा रही है, साइंटिफिक तरीके जा रही है, लेकिन उनको डाइवर्ट, देखें बात ये है कि आप उनको ये बताएं कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर है, बेनिफिट ये है, तो जब इंसान को ये मालूम होगा मेरा बेनिफिट ये, और ख़ासकर यूथ, ये बड़ी खुशी की बात है कि अब तो ये कि देखें ना, हमारे सब काम, मसलन मेरे कंप्यूटर के काम भी मेरी पोती करती है या मेरा पोता करता है, मुझे तो नहीं आता पूरी तरह, तो ये क्या है, ये एक डेवलपमेंट है ना, कि जब उनको मैं बताता हूँ कि भाई मुझे ये ज़रूरत है, बेटे ये ज़रा गूगल पे मालूम कर लो कि रोम में जो है कौन सा होटल सबसे सस्ता है, ताकि मैं बुक कर लूँ जाते हुए, वहाँ मुझे दिक्कत ना हो, तो वो निकाल के हमें देते हैं। तो गोया इसका मतलब कि उनका अप्रोच तो यूनिवर्सल है ना, तो उनकी यूनिवर्सिटी के स्कोप अप्रोच को, यूनिवर्सल अप्रोच को हमने कायम करना है, लेकिन उसका लिंक अपने कल्चर से ज़रूर रखना है कि भाई देखो ये है बेटे, लेकिन इसमें थोड़ी सी लिमिट ये है कि चूंकि हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये भी है, हमारे ये भी है, इससे मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको टोटली मजहबी बना दें, नहीं, बस उनको ये बताएं कि भाई ये है, ये अखलाकी तौर पर, यानी जो हम कहते हैं ना कि बच्चों की एक स्पिरिचुअल तरबियत भी होनी चाहिए, उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई रूहानियत क्या है, रूह क्या है। तो ये इस तरह हम उसी वक्त जा सकते हैं कि जबकि हम बच्चे को ये बताएं
कि भाई ये तुम्हारी ज़िंदगी, ये तुम्हारा जिस्म है, ठीक है। बल्कि बच्चों को शुरू से हमें ये बताना चाहिए, बच्चे देखो दो चीज़ें हैं, एक बॉडी है, एक हमारी इनर ज़िंदगी है। हमारी जो बॉडी है उस पर इनर ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है, और हमारी जो इनर बॉडी है वो हमारी मौजूदा बॉडी पे इफ़ेक्ट होती है। तो देखें ना, जब इंसान को चोट लगती है तो उंगली सिर्फ जख्मी, उंगली ज़ख्मी होती है ना, लेकिन उसको यहाँ भी महसूस होता है, हा? पूरे बदन पे महसूस होता है कि कुछ हुआ, कुछ हुआ। तो बच्चे को ये बताना चाहिए कि भाई अगर आपने ट्रैक से हट गए तो फिर उसका ये होगा। तो बच्चों को जो है, जो हमारे यहाँ जो माशरे में, यानी जो बच्चे करते हैं लड़ाई झगड़ा या ये दूसरा एक दूसरे, तो उसको उसकी रेमेडी के तौर पे हमें बताना चाहिए। ये नहीं बंद कर दो, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि तरीके से, जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी थी। तो असल ये है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा अहम जो है, वालिदैन को बच्चों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बच्चों को ये एहसास हो जाए कि भारी हमारी अहमियत है, इस घर में हमारी अहमियत है। जब वो ये समझेंगे कि हमारी अहमियत है तो वो अपना पॉजिटिव रोल अदा करेंगे, पॉजिटिव चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, और इस तरह उन बच्चों के ज़रिए हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में कामयाब हो सकते हैं। बेहतरीन डॉक्टर साहब, बेहतरीन बात की आपने। सबिन साहब, ये बताएं कि यूथ को आप कैसे एक्टिवेट करती हैं? आजकल प्लेटफॉर्म्स तो हैं हमारे पास, लेकिन आप कैसे करती हैं मोटिवेट? इसके लिए मैंने जो सबसे पहले वर्किंग शुरू की है, टैलेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक ब्रांड मैंने बनाया, जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड माय करियर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर कॉलेज, मैं छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ करती थी। यू नो कि सोशल मीडिया का दौर है, आप बहुत कुछ सोशल मीडिया से ही सीख लेते हैं। तो जब मैंने वहाँ पर देखा कि ये चीज़ें हो रही हैं, मैंने कुछ अडॉप्ट करना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि क्यों ना जो चीज़ें हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं और जो आप सीख रहे होते हैं मुआशरे से, दोनों चीज़ें मिला के अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाएं और उन्हें डिलीवर करना शुरू कर दें, तो अकॉर्डिंग टू दिस कोटेशन कि इल्म बांटने से बढ़ता है, तो ये बढ़ेगा और इसके हमें भी बेनिफिट्स होंगे कि आज हम लर्निंग प्रोसेस में सीख भी रहे हैं, तो हम जब नए लोगों से मिलते हैं तो डिफरेंट पीपल हैज़ डिफरेंट डायरेक्शंस एंड डिफरेंट मेंटालिटीज़, तो हम उनसे भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। सही। तो मैंने फिर वो कैंपेन्स चलानी शुरू की, सेशंस हमारे होते हैं, और सर जीएम जी इज़ अ इंटरनेशनल सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर और मैं उनके स्टूडेंट हूँ, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को मोटिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो उसके बाद वो फिर आप जो उसके सामने रखते हैं कि जनाब ये हमने एक्टिविटी करनी है, ये यूथ के लिए प्लेटफॉर्म बेहतर है या बहुत बेहतर है, इस तरह से हमने आगे चल के कैंपेन्स चलानी है, तो डेफिनेटली वो उनके लिए ईजी हो जाता है। सही, ईजी हो जाता है। अब देखें, डायरेक्शंस हमने देनी है, हमारे पास टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अलमिया ये है, हमारे पास डायरेक्शंस नहीं है। कहा जाता है बहुत जल्दी रिएक्ट किया जाता है, यूथ में पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी ये कहते हैं इन्हें थोड़ा मैच्योर होने दो। लेकिन आप अपना रोल प्ले करें, यूथ तो चलें अगर वो जूनियर्स हैं इस तरह से सीखेंगे, लेकिन जब तक हम उन्हें एक डायरेक्शन, एक प्रॉपर चैनल नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर सकते। मैंने टैलेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया, मेरे पास बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली मेरे पास इसमें स्टूडेंट्स हैं, जिनमें लॉ के स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे पास मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे पास डिफरेंट ऐसी लड़कियाँ मौजूद हैं जो पॉलर्स भी चला रही हैं, सेंटर्स भी चला रही हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब हम उनके सेशंस, हम देखते हैं कि उनमें क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या टैलेंट है, उसको निकाल कर उनकी हौसला अफजाई के लिए हम कुछ सेशंस मुनक्किद करते हैं। अब कुछ चीज़ें हम फ्रंट लाइन पर रह के करते हैं, कुछ हम रिफ़र कर देते हैं। मतलब अगर मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अपना इवेंट, तो डेफिनेटली मैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करूँगी कि वो ऑन दी स्टेज आएँ और बेहतर तरीके से परफॉर्म करके दिखाएँ। उसके बाद हम उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दे रहे हैं या उन्हें हम शील्ड्स भी दे रहे हैं, तो क्योंकि उनकी हौसला अफजाई होती है इस तरह से, उनको मॉरल सपोर्ट होगी तो डेफिनेटली वो इनकरेज होंगे। लेकिन अगर थोड़ी सा कहीं माइनर मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कर दें, और कहीं मैं नहीं कर रही होती हूँ तो फिर अगर मेरे किसी सर्कल में ये इस तरह की वर्किंग हो रही है तो मैं फिर उन्हें रिफ़र कर देती हूँ। तो ये मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है यूथ के लिए। और मुझे लगता है कि अब आप हमारे पड़ोसी ममालिक में चले जाएँ तो वो टैलेंट शोज़ होते हैं वहाँ पे, इवन कि इंडिया को आप देखिए, वो नाच गाने को भी बड़ा प्रमोट करता है। आई एम नॉट हियर डिस्कसिंग अबाउट डांस एंड सिंगिंग, लेकिन मैं सिर्फ बताने का ये मकसद है कि जब वो उस पॉइंट को इतना हाईलाइट करते हैं तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे डिबेटर्स हैं, हम उनको क्यों नहीं इतना हाईलाइट करते? तरजीहात का भी बहुत फ़र्क है मिस। असल में
एक टिकटॉकर ने वीडियो बनाई, अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे, आप उसके लाइक देखें, रेटिंग देखें। अगर आप इल्म बांटने निकले हैं, आप लगा दें कोई मोटिवेशनल टॉक लगा दें, फिर आप देखें कि क्या उसकी क्या रेटिंग है। सविन शर्मा, ये तो आपने रियलिटी बता दिया। ब्रेक जो ब्रेक था उठो वरी वापस अचूं था। लाइव ॾिसी रहा हो आवाज़ टीवी तां बेहतरीन ॻाल्हियूं जारी आहिनि। सरबत साहिब असां सां गॾु मौजूदु आहे, उन खां पुछंदासीं हिननि जी हिकिड़ी फाउंडेशन आहे बीनाई। ज़ाहिर आहे बीनाई सां त तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो त छाजी आहे, पर हुनजो पर्पज़ छा हुयो, हुननि कॾहिं उहा शुरू कई ऐं छो शुरू कई, त उहो पुछंदासीं। जी सरबत साहिबा, इसके हवाले से बताएं कि एक तो नाम आपने बीनाई रखा है, बीनाई फाउंडेशन, तो क्या पर्पज़ है इसका और आपसे आपने कब से स्टार्ट किया इसको? जी, बीनाई फाउंडेशन तकरीबन 2017 से काम कर रही है। ये नाबीना अफराद की स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती थी, क्योंकि आपको पता है आम जो अभी बच्चे, हम जैसे अभी यूथ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो मेन स्ट्रीम बच्चे हैं जिनके पास सारे नॉर्मल स्किल्स हैं, उनके ही इतने मसाइल हैं जी। तो जो जिन बच्चों जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ब्लाइंड हैं, डेफ हैं, या किसी भी वजह से वो न्यूरोडाइवर्स या कोई भी ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए तालीम के वो मौके नहीं है, और अगर है भी तो वो उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। तो वो जब बड़े होते हैं तो ज़ाहिर है वो उनको और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे वो जॉब रेडी नहीं होते। अगर वो जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, उन्होंने मैट्रिक भी कर लिया, इंटर भी कर लिया, किसी भी तरह कर लिया जी, लेकिन अब उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो कि एक जॉब के लिए ज़रूरी होती हैं। वो उस तरह ग्रूम नहीं होते, उनको वो कंप्यूटर स्किल्स नहीं आती थी। तो वो सब चीज़ें हमने शुरू की, और माशाल्लाह बिनाई के प्लेटफॉर्म से बहुत बच्चे एम्पावर हुए, उनको जॉब्स मिली, बैंक्स में काम कर रहे हैं आज, इंस्टीट्यूशंस अच्छा, में काम कर रहे हैं। कैसे ये एक कोई मुझे किस्सा मुझे सुनना है कि कैसे? अच्छा, होता ये कि देखिए, अब ऑफिस में सारी चीज़ें कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गई हैं, अब पेपर पे काम नहीं करना होता, या ऐसा नहीं है कि आप ऑडियो में कोई काम कर ले, तो कंप्यूटर पे काम करना ज़रूरी है। अब ब्लाइंड लोगों का ये होता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, उनके लिए कंप्यूटर यूज़ करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर उनके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है, जो कि एक स्क्रीन रीडर होता है। तो और उनके फ़ोन में भी यही टॉक बैक और स्क्रीन रीडर्स होते हैं, तो हम जिस तरह देख कर पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को, वो उनको सुना रहा होता है कि स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, तो उस वो उस तरीके से उसको सीख जाते हैं। इसी तरह जैसे हम अपने माउस से चीज़ें कर रहे होते हैं, उसको कर्सर को देखकर, उनके पास कीबोर्ड के ऊपर हर चीज़ का शॉर्टकट होता है, तो वो कीबोर्ड में उस शॉर्टकट से मिनिमाइज करना, स्क्रीन ओपन करना, जो काम उनको करना है वो उससे कर लेते हैं, पूरा एक्सेल ऑपरेट करते हैं, सारी चीज़ें उसके ऊपर कर लेते हैं। सो ये जो है, ये अब ज़ाहिर है दुनिया में इतनी इनोवेशन हुई है, तो उसका फ़ायदा हमें अपनी आवाम को, अपने लोगों को भी पहुँचाना था, तो माशाल्लाह बच्चों ने ये सारी चीज़ें सीखी। आप समझे फोन पे बाइकिया बुलाना, खाना ऑर्डर करना, अच्छा ये सारी चीज़ें भी कर लेते हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों के प्रोविजन मौजूद हैं, बस सिर्फ उनको सिखाने की देर थी। और अब तो पाकिस्तान में हमारे खुद भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी बन रही है, बोलते हुरूफ के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है इंक्लूसिव ब्रेल बुक्स, और इसके अलावा कनेक्ट हेयर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो इंटरप्रेटर अवेलेबल किया। जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई डेड बंदा आ जाए, हम उसको बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो अगर हम अपने फ़ोन में वो ऐप रखें और वीडियो इंटरप्रेटर को कॉल कर लें, तो वो हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगी। तो पाकिस्तान में भी माशाल्लाह ये सारे काम हो रहे हैं, और इन सबकी लाइव्स को आप समझे, इंक्लूजन का मकसद ही है कि उन सबको इंक्लूड किया जाए और वो भी यहाँ हमारे साथ बैठ सकें। बेहतरीन बात है। और कितने बच्चे आज तक आपने जो देखे हैं एबनॉर्मल, तो जिनको आपने ट्रेंड किया है या ये तालीम दी, कितने बच्चे हो सकते हैं आपके पास? जी बच्चे तो देखिए बहुत बहुत आते हैं, हर 6 महीने पे कोर्सेज होते हैं। अब तो हमारे माशाल्लाह कोर्सेज की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले हम जो हमारा मेन एक हीरो कोर्स है, जैसे आप समझें कि जो फ्लैगशिप कोर्स है, वो कॉल सेंटर का है। तो ब्लाइंड लोग जो होते हैं वो कॉल सेंटर में बहुत कामयाब है, क्योंकि उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं और उनका फोकस बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, इधर उधर नहीं देख रहे होते। सही, सही। तो वो जो उनका उनकी स्किल है, उसको हमने टैप किया, और आप समझें कराची ये इलेक्ट्रिक जो है, इसमें इसके कॉल सेंटर में, बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉल सेंटर्स में ब्लाइंड लोग बड़ी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मैं खुद एक इंक्लूसिव एम्प्लॉयर हूँ, मेरे अपने ऑफिस में ब्लाइंड लोग काम करते हैं, और सिर्फ कॉल सेंटर नहीं बल्कि सेल्स में भी काम करते हैं। बेहतरीन सर्वर साहब, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म फरहम किया है, और ये तो बहुत अजर की बात है। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, ये बताएं कि हम एक ब्लाइंड हो या कोई भी एबनॉर्मल बच्चा हो, हम उसको इतना डीमोटिवेट क्यों कर लेते हैं, या फिर हम अपने नॉर्मल बच्चे को उसकी तरफ जाने से क्यों रोकते हैं, उससे बात करने के लिए क्यों रोकते हैं? हाँ, दरअसल ये बहुत अहम आपका सवाल है। बात वहीं पे आ जाती है कि हम बच्चों को, पहली बात तो ये कि यकसा अहमियत दें जी। देखिए, हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अगर एक बच्चा अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल फिट दिया है और दूसरे में कुछ कमी है, तो इसमें कोई मसलहत होगी, और ये हमारे लिए एक आजमाइश है वालदेन के लिए
कि क्या आप इसको डेवलप कर सकते हैं, इसकी तरबियत कर सकते हैं जी। तो पहली बात तो ये है कि वो दोनों बच्चों के दरमियान कोई गैप हमें पैदा नहीं होने देना चाहिए, बिल्कुल दोनों से एक जैसी डील करनी। देखिए आप कोई चीज लेके आते हैं तो दोनों को एक जैसी, हालांकि वो एक बच्चा है वो तो नहीं देख रहा, आप अगर उसको दो टॉफी दे देंगे, इसको एक दे देंगे, उसको तो नहीं पता, लेकिन आप ये बताएं कि लो बेटे ये दो तुम्हारी और बेटे ये दो तुम्हारी जी। तो वो फौरन एक बात तो कैच कर लेगा कि भाई मैं जो हूँ, मैं मुझ में और बाकी बहन भाइयों में कोई फ़र्क नहीं है। और नाबीना होना ये दरअसल ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है, जब अल्लाह ताला कोई एक नेमत अता नहीं फरमाता तो दूसरी नेमत को ज़्यादा बेहतर कर देता है। जैसे अभी इन्होंने मिसाल दी कि उनकी ज़हनी अप्रोच उधर, अब देखिए आम बच्चा जो है उसे अगर आप कुरान हिफ्ज़ कराएं तो वो 3-3.5 साल लेगा, लेकिन नाबीना बच्चा 2-2.5 साल में कर लेगा, क्योंकि उसकी पूरी तवज्जो उस तरफ, क्योंकि वो पूरी तवज्जो से पूरा उसका जहन जो है वो ज्यादा काम करता है। तो पहली बात तो ये है कि जो बच्चा भी चाहे वो नाबीना हो या किसी और एतबार से डिसेबल हो, तो उन्हें उसे हमें कमतरी का एहसास नहीं होने देना चाहिए, हमें यानी उसे नहीं होना, हमें इसका मौके फराहम करने चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी फराहम करने चाहिए। ता अब उसको अगर नाबीना बच्चा है तो उससे हम किस किस्म के काम लें, उसके दिमागी काम लें, कह अरे भाई तुम्हारी यादाश्त तो बहुत लाजवाब है, तो फौरन उसे एहसास होगा, मोटिवेट करना चाहिए। तो असल यही है कि इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जो लोग आते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात 3 दफ़ा कहते थे। अच्छा, हालांकि एक दफ़े में काफ़ी है, इसलिए 3 दफ़ा कहते थे कि जो कम सुनते हैं वो भी सुन लें, जिनकी तवज्जो नहीं है वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे अहम बात देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में एक सहाबी नाबीना थे, उनने कुछ कहा अल्लाह के रसूल, हुजूर ने तवज्जो नहीं दी, कहीं और बात थी, फौरन कुरान की आयतें ना दे अबस वतवल्ला, ए अल्लाह के रसूल आपने तवज्जो नहीं दी उस नाबीना शख्स पर, लेकिन कितनी बड़ी बात। तो असल ये हमें बच्चों को यही चीज़ें बतानी चाहिए कि बेटे आपका नाम तो कुरान में है, देखो कुरान ने आपके लिए कहा, ये बात होनी कितनी चाहिए। अच्छी मोटिवेशन है ये हमारे लिए दीन इस्लाम में जी। है, दीन में है। तो असल चीज़ हमें ये बतानी चाहिए कि भाई तुम्हें अल्लाह ताला ने अगर ये एक चीज़ नहीं है तो तुम्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। और ये हकीकत है कि इस तरह के बच्चे जो हैं वो दूसरे उनकी जो फील्ड है उसमें ज़्यादा अहम वो किरदार अदा करते हैं, तो हमें उनकी उस क्वालिटी को डेवलप करके इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसकी ये जो कमज़ोरी है ना वो खुद बखुद छुप जाएगी। ऐसा होता है ना कि आदमी अपनी कमज़ोरियों को कम करने के लिए, बुराइयों को कम करने के लिए नेकियाँ ज़्यादा करता है, तो वो उसमें कवर हो जाती हैं। तो इस तरह के माहौल वालिदैन को करने चाहिए कि उस बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो दें और उस पर ये करें ताकि उसको ये एहसास ही ना हो कि भाई मुझे नज़र नहीं आ रहा, बल बातों में। तो अब तो माशाल्लाह ऐसी सूरत हाल हो गई है कि ऐसे चश्मे ईजाद हो गए हैं, ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो खुद बखुद ये चीज़ें कवर होती हैं। लेकिन असल जो जिम्मेदारी वालिदैन की है कि उसको कभी भी नेवर एहसास कमतरी का एहसास न होने। अच्छा डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, आप प्रोफेसर रहे हैं और चेयरपर्सन और डीन हैं भी और अपनी खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा तो बहुत उम्दा है। अब इससे बड़ा एक्सपीरियंस क्या होगा कि मेरे जो PhD स्टूडेंट हैं, एक मेरी नाबीना फीमेल स्टूडेंट को भी मैंने PhD कराया। अच्छा, अब देखें इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और उसने नाबीना होने के बावजूद उसने यानी थीसिस डिक्टेट किया और थीसिस लिखा, और जाहिर है वो थीसिस जो हमारे यहाँ ये होता है कि PhD का जो थीसिस है वो बाहर 2 एग्जामिनर को जाते हैं आउट ऑफ कंट्री। तो सबसे बड़ी बात है मैंने तो एक्सपीरियंस ली कि देखें भाई ये बच्ची भी है, और वो फिर उसके बाद कॉलेज में वो लेक्चरर रही माशाल्लाह, एक पूरी उसने अपनी ज़िंदगी बनाई, और वो उसका थीसिस जो है लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो इस तरह है कि आप बताएं बच्चियों को, यानी बच्चा या बच्ची हो जो नाबीना हो, इस तरह नाबीना बहुत से दोस्त हैं हमारे, साथी हमारे साथ हैं जो नाबीना हैं, कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तक वो रिटायर हुए हैं, तो उनको आप अपॉर्चुनिटी दें, तो उनमें है सलाह यानी उनके पास सलाहियत है। अब ये हम पे या वालिदैन पे या माशरे पे या असातिज़ा पे या दोस्तों पे या अहबाब की जिम्मेदारी है कि उनकी उस सलाहियत को वो हाईलाइट करें। जब वो हाईलाइट हो जाएगी तो खुद उसको भी फ़ायदा होगा। और असल जो चीज़ है, देखिए हमें जो चीज़ भी करने से पहले, यानी मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ कि यार आप काम करो इदारे के लिए, काम करो सोसाइटी के लिए, ये कभी ना सोचो कि यार मैं कब प्रोफेसर बनूँगा।
ये सोचो कि मेरा ये डिपार्टमेंट, मेरी ये फैकल्टी, मेरी ये यूनिवर्सिटी, मेरा ये कॉलेज, ये मेरा ये माशरा कैसे डेवलप होगा। जब वो डेवलप हो रहा है तो आपको फ़ायदा खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन आपको क्या ज़रूरत है खाम खाक उड़ने की, आप उसके लिए काम करें खुद ब खुद हो जाएगा। तो हमें उसी तरह के इन बच्चों को लेकर, खासकर ये बच्चों को, हमें ये देखना है कि हमें इन बच्चों की बुनियाद पर एक ऐसा माशरा कायम करना है कि आगे चल के ये बच्चे खुद उनके लिए एक मिसाल बन जाए। जब ऐसा एनवायरनमेंट आप पैदा कर देंगी तो इंशाल्लाह उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। और अभी आपसे बहुत ज्यादा बातें मुझे करनी है, लेकिन वक्त है ब्रेक का। नाज़रीन नंढड़ो ब्रेक था, वठो वरी पे वापस आजो। एक बार बीयर भलेकार मॉर्निंग विद आवाज ट्रांसमिशन में असन जी ट्रांसमिशन तुम्हारे सी रहे लाइव आवाज टीवी ता। ऐसा सबीन साहिबा का पुछंदा सी, माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान घुमेला है, चवन दियो आप पूरा पाकिस्तान घूमी हुई है और एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट, क्या देखती है? आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि रूरल एरियाज भी आपने विजिट किए हैं, तो वहाँ पे आपने क्या कमी देखी है? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और ये कहना चाहूँगी कि देखें, जब मैं विजिट पे निकली ना, उस वक्त तो क्यूरियोसिटी थी, ये था कि नहीं निकलना है, देखना है कि डिफरेंट लोग कैसे होते हैं। जो हम टीवी पर देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड सोशल मीडिया? तो वो जज करने जब मैं बाहर निकली तो पूरे पाकिस्तान, सबसे पहले क्योंकि सिंध हमारा घर है, हम सिंध का हिस्सा, यहाँ से शुरू किया कराची, हैदराबाद, फिर उसके बाद जामशोरो है, कोटरी है, नवाबशाह है, मीरपुर खास है, इवन के जो रूरल टिपिकल एरियाज़ हैं गोलारजी, बदीन, घारो, काजी अहमद, सकरंड, यहाँ जाके जब मैंने देखा, अभी तो मैंने पाकिस्तान लाहौर इस्लामाबाद की नहीं की। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ इतना टैलेंट छुपा है। और यहाँ की जो आप इंटरनल सिटीज़ की स्पेशली अगर आप जाकर कभी देखें ना, उनकी ख़वातीन बड़ी हुनरमंद हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह से उन्होंने जो है वो देखें ट्रेडिशनल वर्क जो वो बनाती हैं, जो मेहनत करती हैं, जो कि उनका राइट है, लेकिन यही शहर के लोग सस्ते दामों ख़रीद के और यहाँ पर ला के वो ब्रांड्स बना के लाखों रुपये कमाते हैं, जबकि उनको थाउजेंड्स भी नहीं मिलते हैं। तो एक तो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि इतना टैलेंट हमारे सिंध में छुपा हुआ है, ये वो लोग हैं जो आम लोग नहीं हैं। मतलब आम अगर एक आप किसी कॉमन फैमिली में पैदा होते हैं, आपने तालीम हासिल की और आप ग्रूम करते हैं, इवन कि आप मुआशरे में चलना जानते हैं, लेकिन ये जो टैलेंट होता है ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, ये सबके पास नहीं होती हैं। तो रूरल में ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और असल में मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद इसकी बड़ी जो वजह है वो सोशल मीडिया से दूरी है। सही, जहाँ सोशल मीडिया एक अहम किरदार अदा कर रहा है लोगों को ग्रूम करने में, वहाँ पर कहीं ना कहीं लोग उससे टच में आने के बाद फिर वो प्रैक्टिकली जो थोड़ा सा लेजी हो गए। तो रूरल एरियाज़ के लोग हैं इतना ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनका सारा टाइम बजाय सोशल मीडिया सर्चिंग के, व्लॉगिंग के, अपनी कारीगरी पर होता है। वो बेहतरीन ये कह लें कि वो बेहतरीन तरह से कढ़ाई बुनाई भी करते हैं, बेहतरीन तरीके से खाने भी बनाते हैं, इवन कि उनकी औरतें मर्दों के साथ शाना बशाना मिलकर खेतों में काम भी कर रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये रूरल एरियाज के हीरो को भी कभी फ्रंट लाइन पे लाएं। हम कहते हैं शहर में ये है, शहर में ठीक है, शहर में है, तो ये चीज़ें मैंने देखी। एक्चुअली वी आर कोविड-19 हीरोज़। इससे पहले शायद हमें कोई नहीं जानता था, हम कोविड-19 में बाहर आए जब ये सिचुएशन ऐसी हुई कि लगा कि हमें भी पाकिस्तान को रेस्क्यू करना चाहिए। तो जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया, दूर दूर एरियाज में मैं जाती थी, तो मुझे फिर पता चला, मतलब जब हम अपनी जात से बाहर निकलते हैं ना, उसके बाद हमें दुनिया का पता चलता है कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, एंड व्हाट हैव टू डू फॉर बेटरमेंट ऑफ अवर कम्युनिटी, फॉर बेटरमेंट ऑफ अवर यूथ। तो यहाँ से फिर मुझे टैलेंट ऑफ पाकिस्तान का आइडिया भी मिला। सिंध, अच्छा सिंध पे बहुत जल्दी सवाल उठाते हैं, सिंध का ये हो गया, सिंध में ये नहीं वो नहीं। अरे सिंध में बहुत टैलेंट है, कभी प्रमोट करके तो देखें, कभी कभी तनकीद करने से बेहतर है कि जाकर देखें और उनकी इस्लाह के लिए काम करें, उन्हें डायरेक्शन देके देखें, अपॉर्चुनिटीज़ देके देखें, देखें कि इतने बड़े हीरो हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर वो अपना नाम बनवाएंगे। सही, बाबुल इस्लाम हमारा सिंध यहीं से फैला, सूफियों की ज़मीन, दाता की, ख्वाजा की, सॉरी अपना कलंदर की ज़मीन, भिक्षा की ज़मीन, गाजी हमारे यहाँ पर। तो ये सूफिया जितने कराम बैठे हैं सारे इधर बैठे हुए हैं, और ये मैं कहती हूँ उनकी बड़ी नज़र करम है उनकी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अकॉर्डिंग टू रिलीजियस जाएं तो ये बरकत होती हैं जी, तो इसे अडॉप्ट करना चाहिए। और फिर अगर हम दूसरे एरियाज़ में चले जाएं, नो डाउट कि वहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते
तो वो बहुत अच्छे वहाँ पे टूरिज्म है, बहुत अच्छा वहाँ पे आपको प्लेसेस मिलेंगी या बहुत अच्छी वहाँ पर, लेकिन वहाँ का जो टैलेंट है और सिंध के टैलेंट में ये गैप मैंने देखा है। सही, नो डाउट के वहाँ अल्लाह ने उसको हुसून से बहुत मालोमाल किया है, अगर आप केपी के साइड पे चले जाएं या पंजाब साइड पे चले जाएं, लेकिन जो हमारे सिंध में टैलेंट है ना वो उधर वो टैलेंट नहीं है। ये एक तो ये गैप मैंने जज किया है, तो क्यों ना यहाँ से उठाएं लोगों को, ऐसे टैलेंटेड हिडन डायमंड्स को निकालें और निकाल कर उन्हें पाकिस्तान का फेस बनाएं, फेस ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने तो नाम ही टैलेंट ऑफ पाकिस्तान रखा है, तो बस मैं उन्हीं को कहीं ना कहीं प्रोमोट करने में लगी रहती हूँ। और जैसे मैंने अभी कुछ शहरों का नाम लिया, तो ये चाहे काजी अहमद है, चाहे वो सकरंड है या गोलाड़जी है, बदीन है, इवन पंगरियो है, ठट्टा है, तो यहाँ जो जाने का मकसद था नवाबशाह मीरपुर खास, तो वहाँ पर भी हम छोटे छोटे से इवेंट्स करें, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, तो बस ये पहली सीढ़ी पे हमने कदम रखा, हम गए। अब मेरा इरादा है कि मेरे पास इतनी बड़ी कोई सपोर्ट नहीं है, ये मैं एज ए स्टूडेंट मैंने शुरू की वर्किंग, अब इसमें चंद मेरे दोस्त मेरे साथ शामिल हो गए, कुछ मेरे कजन्स और कुछ फेम में बहुत आगे आए हैं। तो अब अगर हम ऐसा इदारा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम बेहतर तरीके से इस सिंध के टैलेंट को पाकिस्तान का टैलेंट भी बनाएंगे और इसको इंटरनेशनल टैलेंट भी बनाएंगे। तो यहाँ नजरे सानी करने की जरूरत है। बेहतरीन बेहतरीन सर्वे साहब, क्या कहेंगी सर्वे साहब, टैलेंट को प्रमोट कैसे किया जाए? जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। देखिए, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, अभी हमने जैसे छोटे बच्चों की बात की, वैसे हर एज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसको हम सिर्फ दूध पिलाते हैं, उसको ना कुछ खिलाने की जरूरत है बल्कि उसको पानी भी देने की जरूरत नहीं होती, तो 6 महीने तक वो सिर्फ दूध पे जिंदा रहता है। लेकिन उसके बाद अगर हम उसको दूध पिलाते रहे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, हमें उसको वीन ऑफ करना है, फिर उसको ऐसा फूड देना शुरू करना है जो कि उसके लिए हेल्दी है, उसकी बॉडी को बढ़ाए, फिर उसके बाद उसको फिंगर फूड देते हैं, जब दांत निकल जाते हैं फिर अलग तरह का फूड देते हैं। तो डेवलपमेंटल नीड्स जो है ना हर एज में अलग होती हैं, तो जब यूथ में बच्चा आता है तो उसकी नीड्स डिफरेंट हो जाती है, फिजिकल नीड्स भी डिफरेंट हो जाती हैं, इसी तरह साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स भी डिफरेंट हो जाती हैं, तो उनको हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम उसी तरह से उसको बच्चे की तरह ट्रीट करते रहें, घर के अंदर बिठा के रखें, तो वो कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाएगा, थ्राइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इस तरह बहुत ज़रूरी होते हैं कि जहाँ पे आपके पीयर्स, आपके हम असर लोग आपके आपसे बात करने के लिए रेडी हो, आपके पास मेंटोर्स हो। मेंटोर्स बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के सर्कल से निकल के उसको और नए लोग मिले जिनकी वो बात सुने, जिनसे वो इंस्पायर हो, उसको आइडियल्स मिले कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं कौन से प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, तो वो दुनिया को देखे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे को, फिर एक सेंस ऑफ एडवेंचर जो एक छोटे बच्चे के अंदर, 2 साल के बच्चे के अंदर नहीं होगा, वो 12-15 साल के बच्चे के अंदर होगा। तो उनको जो एडवेंचर चाहिए थ्राइव करने के लिए और उनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए, वो यही सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में इंगेज करें, अपने पैशंस को डिस्कवर करें और इस तरह अपने आप को दुनिया के सामने लेकर आए एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से। तो ये सेंस ऑफ एडवेंचर इंसान की ज़रूरत है, जब उसको नहीं मिलता तो क्या करते हैं आप, अगर देखें कि किसी को क्राइम करते हुए देखेंगे ना, तो क्राइम भी, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास रोटी ना हो खाने के लिए इसलिए वो क्राइम कर रहा हो, बल्कि एक सेंस ऑफ एडवेंचर के लिए भी यूथ क्राइम की तरफ बढ़ती है। तो हमें वो सेंस ऑफ एडवेंचर उनको पॉजिटिवली देना है और पॉजिटिव प्लेटफॉर्म से देना है और एक डायरेक्शन के साथ और एक मिशन और टारगेट के साथ देना है। सही, आप बताएं कि हमारे जैसे इन्होंने बात की कि एक बच्चा बढ़ता है तो पेरेंट्स या फिर घर सिबलिंग्स का भी बहुत बड़ा रोल है, या फिर हमारे फ्रेंड्स हो गए हमारे मुआशरे में, वो भी हमें गाइड भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, डीमोटिवेट भी करते हैं, इसके हवाले से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ बताएं हमें। हाँ, ये तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की, और इन्होंने जो इंटरनेशनल का किया, इंशाल्लाह आप रबते में रहें करेंगे, क्योंकि मैं भी इस वक्त ज़्यादा इंटरनेशनल पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से बात शुरू हुई कि इनके बच्चों में जो टैलेंट है हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं जी, या उसको माशरे के लिए करें। देखें, हर शख्स में जो भी खूबी है अगर वो माशरे के लिए फ़ायदा मंद नहीं है तो उसकी ज़ात के लिए, ज़ात के लिए सब कुछ करता है, ज़ात के लिए तो एक परिंद और चरिंद और जानवर भी करते हैं। तो हमें कोई भी काम जो करें पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इस काम से, हमारे इस टैलेंट से, हमारी इस एक्टिविटी से हमारी सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा। तो पहली बात तो ये है कि हम बच्चे को इस तरफ लाएँ कि भाई बेटे देखो, ये तुम्हारी जो भी एक्टिविटीज़ है ये आगे चल के न सिर्फ माशरे के लिए बल्कि तुम्हारी औलाद पर भी होगी। कई मिसालें आप ऐसी देखें कि जो बच्चे देखते हैं कि जनाब वाले नहीं किए, मसलन में एक चीज़ देख रहा था, बड़ी सबक आमोद होती है,
कि एक साहब ने अपने घर वालों के कहने पे एक छोटा सा कमरा बनाया, तो बच्चे ने पूछा कि अबू ये क्या है जी। बोला भाई ये तुम्हारे दादा बा के लिए, हमारे साथ नहीं रह सकते, तो उनको अलग से मैंने जगह बनाई। कुछ दिन गुजरे, देखा वो बच्चा कोई चीज़ें यूँ कर रहा है, तो कह रहे बेटे ये क्या। बोला अबू जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो आपके लिए मैंने ये बना। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, देखे ना जी, ये चीज़ है। तो बच्चे तो सीखते हैं। तो हमारी जो आज की जो असल बहस का मसला है वो ये है कि बच्चों के लिए तो मिसाल बनना चाहिए। देखें आप किताबों से पढ़ाएंगे, ये करेंगे, मिसालें दें, कुछ नहीं। जब तक बच्चा को मिसाल, और बेहतरीन टीचर वही है कि जो अपने स्टूडेंट को एग्जाम्पल के जरिए समझाए कि भाई इसके ये है कि ये क्यों है, दो और दो चार है, भाई दो चार क्यों है, भाई दो और दो तीन क्यों नहीं है, पांच क्यों नहीं है, तो ये मिसाल दे के भाई यूं करके। तो असल चीज़ ये है कि हम बच्चों को इस तरफ ले जाएं। दूसरी बात जो ये है कि बच्चों को शुरू ही से ज़रा उनके जहन में हमें ये रूहानी चीज़ें जो है ना ये भी डालनी चाहिए। मसलन इस वक्त ऑस्ट्रिया में, अगले महीने ऑस्ट्रिया में एक कॉन्फ्रेंस सेमिनार हो रहा है और वो सिर्फ बच्चों पे है, किंडर्स डिपार्टमेंट है उनका, और वो हर दो साल के बाद सेमिनार करते हैं और वो बताते हैं कि बच्चों को क्या क्या। इस दफ़ा उन्होंने ये टॉपिक रखा है कि भाई बच्चों को हम इंटरफेथ हारमनी पे कैसे ले जाए, okay. है ना, ताकि बच्चों को ये बताएं कि भाई ये सब जो भी है ना, चाहे ये यूं नमाज पढ़ता है, यूं, ये सब चीज़ें एक हैं, ये प्रैक्टिकल है। असल में क्या है, थ्योरी तो एक है, अब ये जैसी जिसकी सहूलत है। वही हमारे एक उस्ताद थे, तो हमने उनसे पूछा, बहुत बड़े मुफक्कर थे और जुरिस्ट थे बड़े सगीर के, मौलाना मुंतखब कादरी। तो मेरी आदत में पूछ, तो मैंने कहा सर ये क्या चक्कर है। एक बच्ची ने पूछा कि जी वो कुछ लोग नमाज यहाँ हाथ पढ़ के पढ़ते हैं, कुछ यूँ, कुछ छोड़ के पढ़ते हैं, तो कौन सी सही है। तो वो बड़ा यूँ पान खा के सोचते रहे, फिर कहने लगे बेटे ये बताओ कोई पीछे हाथ बांध के भी नमाज पढ़ता है। बोला जी नहीं पढ़ता। तो बोला ख़त्म ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। तो बात तो ख़त्म हो गई भाई, बात यह कि ये एक ही है ना प्रैक्टिस। तो असल ये है कि आप किस तरफ रुजू कर रहे हैं। तो इसी तरह बच्चों को भी यही चीज़ सिखानी है कि बेटे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल चीज़ ये है कि आपने अल्लाह ताला के लिए अपना डेडिकेशन ज़ाहिर करना है, आपने वर्शिप अल्लाह के लिए करनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। तरीके अपने अपने होते हैं। और दूसरी जो बात आपने फरमाई कि इनकी जो टैलेंट है, तो उस टैलेंट को हम उसी तरह इस्तेमाल करें कि हम ये बताएं कि भाई देखो ये तुम्हारा टैलेंट है, लेकिन हम इसको शेयर करें, यानी बच्चों के जहन में शेयरिंग डालें कि कोई चीज़ भी हो वो शेयर करें, न सिर्फ टॉफी शेयर करें बल्कि अपनी क्वालिटीज बाकी वो भी शेयर करें। तो इस तरह बच्चों को हमने शेयरिंग की तरफ डालना है कि भाई देखें अल्लाह ने तुम्हें जो ये चीज़ दी है ना, इसलिए दी है कि सबको सबको इसमें शामिल करो, तो फिर इसमें और अल्लाह ताला तुम्हें मज़ीद इसमें तरक्की देगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी ज़िंदगी, जैसे आपने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसी में गुजरी कि वो बच्चों को, अब देखें ना कि हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम जब वो आती थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे जी अपनी जगह, उनकी पेशानी पर बोसा देते थे, फिर उनको अपने पास बिठाते थे। व्हाट इज़ दिस। तो देखें ना, अगर ये सीन अगर जो बच्चा देखेगा, अगर अपने घर में भी देखेगा कि बेटी आई है और वालिद जनाब उसको पूरी रिस्पेक्ट दी, उसके माथे सर पे हाथ रखा, ये हमारा कल्चर है, या उसका माथा चुमा, तो बच्चा समझेगा कि ये कोई ये वीआईपी प्रोटोकॉल है। हाँ, तो फिर वो भी आगे चल के ये वीआईपी प्रोटोकॉल देगा। तो ये चीज़ें हमें उनके जहन में डालने की हैं कि बेटे देखो तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्यों? कि तुम माशरे के एक अहम फ़र्द हो और तुमने माशरे को देना है। दूसरी बात ये कि ये सब चीज़ें हम पे उधार हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम जो कुछ भी दिया ना, तो ये हमें बच्चों को भी समझाना है कि ये अल्लाह ने तुम्हें दिया है, लेकिन ये इसलिए दिया है कि दूसरों के, और ये तुम्हारी यही भड़ापन है। बच्चों को ये बताना है कि यू आर ग्रेट, कि अल्लाह ने तुम्हें इसके लिए सिलेक्ट किया, यू हैव बीन सिलेक्टेड बाई द ऑलमाइटी अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई तुम्हें अल्लाह ने सिलेक्ट किया कि तुम ये करो। तो इस तरह की अगर हम अप्रोच करेंगे और बच्चों तक कम्युनिकेट करेंगे, तो आई थिंक कि इंशाल्लाह ये बच्चे जो हैं ये वाकई हमारे माशरे की आवाज बनेंगे। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, ये पूछना चाहूंगी, बड़ी जबरदस्त बात की। मैं कहती हूँ कि हमारी जैसे हम पैसों की ज़कात देते हैं, तो वैसे ही हमारी सलाहियतों का भी सदका है। अगर हमने किसी दूसरे इंसान से हमें बेहतर तालीम का मौका दिया या बेहतर कोई भी हमें एक सोच आई, तो इसका भी सदका ये है कि हम
दूसरों तक उसको बचाए। कुरान में जो है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, वो सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें जो भी दिया है उसको बांटो, यानी तुम खर्च करो जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है। ये नहीं कहा कि तुम अपनी माल, तुम्हें जो अल्लाह ने दिया है उसे खर्च करो। तो अल्लाह ने तुम्हें दौलत भी दी है, अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत भी दी है, अल्लाह ने तुम्हें सलाहियत भी दी है, अल्लाह ने तुम्हें इल्म भी दिया है, ये सब चीज़ें दी हैं, तो ज़ाहिर है तुमने इसको और ये देखें एक ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल है कि जो चीज़ भी अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे, खर्च करेंगे तो उसमें इजाफा होगा। बिल्कुल इजाफा होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जिसके साथ शेयर करेंगे तो आपने सदका जारिया कर दिया। जब तक वो उससे फ़ायदा उठाता रहेगा, उसकी नस्लें फ़ायदा उठाती रहेंगी, आप इस दुनिया में रहें ना रहें, आपको उसका अजर मिलता रहेगा, बेहतरीन शेयर मिलता रहेगा। आपका शेयर है, आपको शेयर उसका, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, ये शेयर आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। बेहतरीन बेहतरीन बात डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब से जो गालियों बुधी करे दिल तो करे तो बस ब्रेक ही ना वठूं, पर ब्रेक तो वठणो ही आए, ब्रेक तो वठूं ऐं नंढे ब्रेक खां पोइ वरी वापसि जी गालियुनि खे कंटिन्यू कंदा रहियो। लाइव आवाज़ टीवी तां आए असां सां बेहतरीन महिमान गालियूं करे रहिया आहिनि, बेहतरीन गालियूं अॼु थी रहियूं आहिनि, छो त क़ुरान जी जेकी तालीम आहे, असीं सिर्फ़ु ॿारनि खे तालीम त ॾियूं था, क़ुरान पाक ते हर ॿार वेंदो आहे, पर क़ुरान चवे छा थो, क़ुरान जी वैल्यू, नमाज़ जी वैल्यू, दीन इस्लाम जी वैल्यू असांजी ज़िंदगी में छा आहे, इहा असांखे सम्झ में नथी अचे, या वरी अगरि सम्झ में बि ईंदी आहे त असीं थोरो इग्नोर करे लाइफ खे, सोशल लाइफ खे अॻिते वठी हलूं था। सो दीन इस्लाम खां वधीक त असां लाइ कोई बि कुझु बि को बि प्लेटफॉर्म नाहे जितां असीं सिखी सघूं, त इनखे बि गॾु खणी हलणु ज़रूरी आहे, पर तालीम में बहितरी इन हवाले सां हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, आप मुझे ये बताएं कि पहले की तालीम और आज की तालीम में तो डिफरेंस है। Exactly. क्योंकि हमारे पास आजकल सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सोशल चीज़ें ज़्यादा बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन अखलाकियात और अदब ये कहाँ है? बहुत अच्छी बात की। देखिए, जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, मैं आपको ज़रा सा एक लम्हे के लिए अपना बचपन बताऊँ। जी, मसलन हम जब प्राइमरी स्कूल में थे तो वहाँ टाट भी नहीं था, ठीक है, घर से हम मकई के दाने लेके जाते थे। अच्छा। और वो लंच टाइम में वो भुना के, वो खातून जो थी वो मसलन इतने दाने तो इतने से वो अपना मुआवजा लेती थी, बाकी हमें भून के देती थी, वो हम खाते थे, ठीक है। और फिर रोज़ाना कम से कम 3 माइल हम घर जाते थे, आते हुए सुबह और जाते हुए। तो जब हम ये करते थे ना लंच टाइम, जब वो दाने भुनते थे, तो उस वक्त सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, एक कहता यार तुम्हारी मकई बहुत अच्छी है, दूसरे तुम्हारी मकई बहुत, तो सब शेयर करते थे जी। तो देखना वहीं से अखलाकी एक अंसर पैदा हो गया, यानी एक अखलाकियात का ये है कि भाई ये जो तुम है रिस्क खा रहे हो, ये ठीक है तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर से लाए हो, लेकिन जब दूसरे को पसंद है तो उसको शेयर करें। तो इसीलिए जब आप अखलाकी, कुरान में है कूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से बात बहुत उम्दे सी करो। और हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने उनकी जो किताब है अहयाल उलूम, उसकी एक पूरा चैप्टर, एक वॉल्यूम जो है वो सिर्फ अखलाकियात पे है। अच्छा। सिर्फ इथिक्स पे है। और इस वक्त जो अखलाकियात के बारे में हम एक काम कर भी रहे हैं, वो एक इदारा है जिसका मैं भी मेम्बर हूँ, बल्कि उसका स्टूडेंट भी हूँ, वो है काउंसिल फॉर रिसर्च इन वैल्यूज़ एंड फिलासफी। ओके। यानी वैल्यूज़ भी और फिलासफी भी, यानी सिर्फ फिलासफी, जैसे हम कहते हैं ना कि फिलासफी ऑफ रिलीजन और रिलीजन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो इस तरह वैल्यूज़। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों को ये वैल्यूज़ बतानी है कि बेटे अखलाक ये है कि सबसे पहली बात ये है कि जो बड़ा हो, तुमसे ज़रा भी बड़ा हो, उसको रिस्पेक्ट दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था कि भाई पहल करते थे अस्सलामु अलैकुम। बिल्कुल। हमारे एक साथी थे तो किसी ने उनसे कहा कि यार मैंने 3 दफ़ा सलाम किया और तुमने जवाब नहीं दिया, तो बोला भाई मैंने अगर जवाब नहीं दिया तो तुम 4थी मरतबा मुझे सलाम कर देते। तो असल ये है कि यानी यू हैव टू, यानी बात यह है कि आप यूँ क्यों रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई फलाँ मुझे रिस्पेक्ट दे, भाई आप तो उसे रिस्पेक्ट दें ना पहले। तो कहते हैं ना कि अपनी इज्जत कराने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे की इज्जत करें। तो पहले तो बच्चों को ये बताएं कि बेटे देखे अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी खुद रिस्पेक्ट हो जाएगी। अब पहले की तालीम क्या थी, पहले तालीम से ज़्यादा तरबियत पर तवज्जो दी जाती थी जी, है ना। अगर उस्ताद पढ़ाता था कि अलीफ से अल्लाह, तो फिर वो साथ बताता भी था अल्लाह वो है जिसकी हम इबादत करते हैं, अल्लाह वो है जो हमें रिस्क देता है, अल्लाह वो है जो आप जिसने हमको पैदा किया। तो फौरन बच्चे के जहन में आ गया कि भाई अल्लाह जो है उसकी ये क्वालिटीज़ हैं। तो फिर वो क्या करता है कि वो अल्लाह की सिफात को शुरू से
शुरू कर देता, अपनाना शुरू कर देता जी कि भाई अल्लाह ने ये किया तो मुझे भी ये करना है, अल्लाह ने ये, तो पहली बात तो ये थी कि तरबियत इस वक्त जो है प्राइमरी से लेकर लेट कर रहे हैं ना, जो हम यानी जिस पे हमें यानी अफसोस होता है वो ये है कि तरबियत को हमने बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा। एक लफ्ज पढ़ाएं लेकिन उसकी तरबियत, देखे ना कुरान करीम आप तिलावत करते हैं ठीक है आपको सवाब मिलेगा, एक लफ्ज इतने मिलेगा, लेकिन अगर आपने गौर नहीं किया उस पर अमल नहीं किया, उसकी मिसाल ऐसी है कि आवाज़ वहाँ शरबत रख लें और सुबह कहें बहुत अच्छा शरबत है, शाम को भी कहें बहुत अच्छा, वही जब तक आपके गले से नीचे नहीं उतरेगा तो आपको फ़ायदा कैसे देगा जी। तो इसी तरह कुरान में जो कहा गया कि मसलन कहा कि ज़ालिकल किताब उल आरे बफी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, तो पहले तो आप अपने आप को इसके लिए तैयार करें कि भाई इसमें जो भी है वो सच है, एप्लीकेबल है, वो हमारे लिए है, वो इंसान के लिए, क्योंकि कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए, पूरे इंसानियत के लिए है, कोई भी आसमानी किताब हो, कुरान हो, जबूर हो, इंजील हो, एनीवन, वो तुम्हारे इंसानियत के लिए, इसलिए कि हमारे नबी के भी हम यही कहते हैं रहमतुल आलमीन, पूरी ही इज मर्सी फॉर ऑल, तो हमें भी वही मिसाल देनी, तो बच्चों को ये समझाने के बट देखे आपने तो हर एक के लिए मर्सी बनना है, आपने हर एक के लिए अमन बनना है, ताकि आपको देख के अगर बच्चों को अभी से ये बता दिया जाए कि हमारे इस माशरे के लिए अमन क्यों ज़रूरी है, क्यों, इसलिए कि अमन होगा तो आपकी ज़िंदगी महफूज रहेगी, अमन होगा आपकी तालीम होगी, अमन होगा आपकी तरबियत होगी, तो उनके जहन में फ़ौरन चीज़ आ जाएगी कि भी अमन भी कोई चीज़ है जिसे हमें टारगेट करना है, जिसे हमें अचीव करना है और उसके अगेंस्ट चीज़ों को हमने छोड़ देना है। तो बच्चों को जो है असल हमने यही उनके जहन में करना है कि भाई आप चूँकि माशरे में हो और आप में ये टैलेंट है तो आपने ये टैलेंट इस्तेमाल करना है और हम इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, वालिदैन की जिम्मेदारी, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी, दोस्तों की जिम्मेदारी, फ्रेंड यानी सब की जिम्मेदारी है कि उसको वो एक्टिवेट करेंगे कि भाई देखो ये आदमी हमेशा सच बोलता है तो इसके सामने कोई झूठी बात नहीं करनी है, देखे ना फौरन हो जाता है कि भाई नहीं इसके सामने नहीं कहना, हम खुद कहते हैं ना भाई देखना ये बात उसको ना बताना, क्यों कि भाई उसमें ये क्वालिटी है कि वो इस बात को नहीं मानेगा। तो इसी तरह जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हजरत अबूबकर सिद्दीक से एक बात कही गई कि भाई उनका ये हुआ मैं रात को ये गया, एक आदमी ने ये कहा कि मैं रातों रात गया फलां गया फलां गया, तो ये मुमकिन है, बोला भाई मुमकिन तो नहीं है, बोला हाँ देख मोहम्मद ने कहा, बोला उन्होंने कहा फिर तो मुमकिन है क्योंकि वो अमीन थे। तो इसी तरह हमने बच्चों को अमीन भी बनाना है और उनको दूसरे का महाफिज भी बनाना है और उनकी तालीम जो है ना हम उसी तरह करने की तरबियत को अटैच कर दें, यानी पहले और जो आपने बात की ना पहले और अब, सिर्फ ये फ़र्क है कि पहले तरबियत अपर थी और तालीम सेकंड थी, अब तालीम अपर हो गई है और तरबियत सेकंड हो गई कि हमने तरबियत का कोई अहतमाम नहीं किया कि जो ही हम इन बच्चों के लिए छोटों के लिए फिर नई जनरेशन के लिए टीन एजर्स के लिए तरबियत का इंतज़ाम करेंगे, जो हम उन्हें सिखाएँ जो हमें उन्हें पढ़ाएं हमें उनको सिखा भी दें उनको ट्रेंड भी कर दें तो डेट विल बी वेरी नाइस। रशीद साहब बेहतरीन बेहतरीन, सरवर साहब क्या कहेंगे तालीम की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, पहले की तालीम और आज की तालीम में डिफरेंस क्या दिख रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने इसके अंदर इंक्लूड किया है। आई थिंक सबसे पहले तो आपने जैसे कुरान की तालीम का नहीं कहते, देखिए कुरान जो है ना वो हमारी रूह से बात करता है जी, वो हमारे सिर्फ जहन से हमारी बॉडी से बात नहीं करता। तो हमने क्या किया बच्चे जैसे आजकल बच्चे क्या पढ़े भी जो बॉडी है ना वो मरकज है आपकी सारी तवज्जो का, उसको संवारना उसको बनाना उसके लिए सारी मेहनत है, तो इसमें रूह कहीं खो जाती है इस प्रोसेस में। तो हमें वही बैलेंस दोबारा लेकर आना है कि जब आप अपनी रूह से कनेक्टेड होंगे ना तो कुरान का मैसेज आप तक पहुँचेगा जी। तो बॉडी जो है वो सिर्फ कैरियर है सोल की, मतलब डब्बा है जिसके अंदर सोल रहती है इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए उसको इसकी ज़रूरत है। तो असल फोकस हमारी सोल के ऊपर वाई स्पिरिट पे अपनी रूह पे होना चाहिए, तो रूह से कनेक्शन हमें जोड़ना है और ज़ाहिर है वो तालीम के थ्रू होगा, क्योंकि माँ बाप या टीचर जब तरबियत को और जो रूह का कनेक्शन है उसको जोड़ेंगे तभी बच्चा उसकी तालीम को तालीम की बात आप कहेंगे तो अब जो पहले मामला था कि पेरेंट्स जो है
एक अमानत के तौर पे बच्चे को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजता था और टीचर एक रूहानी बाप के तौर पे उसको कबूल करता था और तालीम के साथ साथ उसकी तबीयत का भी ख्याल रखता था कि जो बच्चा घर से आया है तो अब उसकी सेफ्टी, उसके उठना बैठना, उसका रख रखाव, उसकी सारी चीजों में कुछ ना कुछ इनपुट देता जी. था. अब क्या हो गया है, जो चेंज आ रहा है वो ट्रेंड ये चेंज हो रहा है कि माँ बाप कहते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इंस्टीट्यूशन को, तो अब इंस्टीट्यूशन का काम है कि मेरे बच्चे का ये ग्रेड आते हैं. सही, ठीक है. और टीचर ये कहता है कि क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है तो अब मेरा काम है एकेडमिक्स डिलीवर करना और बच्चे को सिलेबस कंप्लीट कराना और उसका ग्रेड लेकर आना. तो वो कहते हैं फिर ये बच्चे की तरबियत और उसको अच्छी बातें बताना और उसको बुरी बात से रोकना, तो ये फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है. तो यहाँ एक बहुत बड़ा गैप आता जा रहा है क्योंकि हम जो ये चीजें सीखते थे वो किसी किताब में नहीं लिखी हुई होती, वो एक मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ ट्रांसफर हो जाती थी अगली जनरेशन में. तो जब माँ बाप ने भी अपना रोल, क्योंकि मैंने तो कमाना है, मैं तो सुबह से रात तक बिजी हूँ, तो मैंने सब कुछ टीचर पे, स्कूल और ट्यूशन पे दे दिया. अब वहाँ वो कहते हैं हमें अपने जो हमें अमाउंट मिल रहा है हमें उसको जस्टिफाई करना है, तो हमें तो सिलेबस कंप्लीट कराना है एंड तक, तो हम सिर्फ ये काम करेंगे. तो जब ये ट्रेंड आता जा रहा है वो आप समझे, बहुत सारी चीजें एलिमिनेट होती जा रही हैं. कई जगहों से स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो गए हैं जो कि तरबियत का एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं. सही बात. इसी तरह जो दीनी तालीम है वो एलिमिनेट कर दी गई है कि हम ये नहीं पढ़ाएंगे, ये पेरेंट्स का काम है दीन से. सही सही सही. तो यहाँ पे ये वाला, हम ये वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते. तो कई स्कूल में सब चीजें खत्म होती जा रही है. तो आप जो पड़ोसियों की हुकूक, आप मुझे बताइए आपने कौन सी किताबों में पढ़े थे, आपके सिलेबस में शामिल था, क्या होता था? इस्लामियत में एक चैप्टर होता था, उर्दू में दो चैप्टर्स, कहानियां होती थी जिनसे हम सीखते थे. जी सीखते थे, लेकिन आजकल वाकई में इस बात की कमी. सरवत साहिबा बहुत अच्छी बात की आपने. नाजिन बैठे था ब्रेक, ब्रेक का वापस अच्छी गाल के कंटिन्यू था. एक बार अभी भलीकार मॉर्निंग में था आवाज ट्रांसमिशन जारी है, लाइव डिसी रहा था ये ट्रांसमिशन आवाज टीवी था. आए गालियो बेहतरीन जारी है. सभी साहिबा का पुछंदा सी जाहिर है अर्बन रूरल बई एरियाज घूमी हुआ है, सिंध बलूचिस्तान, त एक्सपीरियंस उन्होंने थोड़ो वधिक ही आ है. औरतों के हवाले से अब मैं सबीन साहिबा पूछना चाहूंगी कि औरत तो किसी प्लेटफॉर्म में पीछे नहीं है, जहां देखते हैं जैसे देखते हैं औरत सबसे ज्यादा आगे है, शाना बशाना खड़ी हुई है मर्द के साथ. जैसे आपने कहा काश्तकारी में हुनरमंद है हर प्लेटफॉर्म में, लेकिन कहां कमी देख रही हैं आप कि औरत थोड़ा पीछे रह जाती है? कमी मैं यहाँ पर उसमें देख रही हूँ कि असल में जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आती है ना तो वो तो इक्वली डिवाइड की जाती है मर्द और औरत में, लेकिन जहाँ बात हकूक डिलीवर करने की आती है वहाँ मर्द को थोड़ा सा नुमाया कर देते हैं और औरत को थोड़ा सा कम कर देते हैं. इसकी सबसे बड़ी मिसाल ऐसी है कि जब जायदाद में हिस्से होते हैं तो आपने देखा होगा कि मर्द का हिस्सा ज़्यादा है औरत का कम है, लेकिन जो वो थोड़े पे भी राज़ी है लेकिन बाज़ जगहों पर थोड़ा भी नहीं देते. ज़बरदस्ती आपने देखा होगा तशद्दुद करके उनसे जो है वो सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं या ठम्स लगवा लिए जाते हैं. ये तो एक मिसाल थी. अगर हम दूसरी तरफ जाएं वहाँ पर भी यही इशूज़ हैं. सबसे पहले एजुकेशन की कमी है, राइट ठीक है. अब एजुकेशन आपकी शुरू होती है आपकी फैमिली से. हमारे यहाँ एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट रह गया है कि बस लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, ज़्यादा बाहर नहीं भेजना है. हालांकि वो वाला दौर अब नहीं है, वो वाला दौर नहीं है. जब ये जहालत का दौर तो ख़त्म हो चुका, जब रसूल खुद आए थे आज से 1400 साल पहले, बेटियों को पैदा होती जब दफन किया जाता था, जब वो रहमतुल्लिल आलमीन बन के आ गए, बेटियों के उनको हकूक दे दिए, जब हमारे रहमतुल आलमीन ने दे दिए, तो हम कौन होते हैं उस पर बहस करने वाले. लेकिन आज भी सबसे पहले दीन को नमाज, कुरान, रोज़ा, नमाज, हज, यहाँ तक कर दिया है महदूद. बाकी जहाँ बात आती है हकूक़ुल अबाद की, सिफर. प्रोग्रेस पूछें सिफर. क्यों सिफर है? उसमें मर्द और औरत दोनों आ जाते हैं, ठीक है, दोनों आ जाते हैं. बहुत सारी जगहों पर आप देखें कि जब आप काम कर रहे होते हैं, स्पेशली जो हमारी रूरल की ख्वातीन होती हैं, और रूरल के साथ साथ सिटी में भी हैं ऐसी ख्वातीन जो बहुत टैलेंट रखती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, शी वॉन्ट्स टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन उन्हें फैमिली की तरफ से ही सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस आती हैं. मतलब लोग क्या कहेंगे ये तो बात की बात है. सबसे पहले आपके अपने उस काम में रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, ये उनमें कमी है. उन्हें वी हैव टू एजुकेट अवर सोसाइटी बाय गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर्स. लेकिन अलमिया ये भी है कि अभी ये गुड मॉर्निंग शो चल रहा है, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आप इसके जो व्यूअर्स होंगे वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना कि अगर मैं और आप यहाँ पर बैठ के अगर कोई डांसिंग प्रोग्राम या कोई टैलेंट हंट का प्रोग्राम कर रहे हो तो उसके ज़्यादा होंगे. सही. तो इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम देखा करें. मैं यहाँ व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगी ज़रूर देखा करें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो. और बात सिर्फ मालूमात की नहीं है, यहाँ टिप्स होती हैं. हमारे जो सेलिब्रिटीज़ बैठे होते हैं, हमारी जो एंकर बैठी होती हैं, हमारे जो गेस्ट बैठे होते हैं, वो आपको यहाँ पर आके टिप्स देते हैं.
ये वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टीचर हैं जो आपको घर बैठे तमाम चीजें बता रहे हैं, बिल्कुल अपने ओपिनियन डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे बनता है एक प्रॉपर एक सप्लीमेंट जिसे कह लें। तो डिफरेंट जब ओपिनियंस होंगे तो डिफरेंट उस पर बेहतर तरीके से काम हो सकेगा। यही चीज़ है कि हमारे पास एजुकेशन, अवेयरनेस, मोटिवेशन की कमी है। ख़वातीन शायद इसीलिए पीछे चली जाती है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हमारे जन्नत के सरदार मौला हुसैन, मौला हसन हैं, तो जन्नत की सरदार बीबी फातिमा जहरा भी हैं, तो क्यों आप ख़वातीन को पीछे करते हैं? माशाल्लाह, हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं एक लेडी, तो आप क्यों ख़वातीन को पीछे कर सकते हैं? उनमें तमाम टैलेंट मौजूद हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, वो अच्छी शेफ भी हैं, अच्छी मदर्स भी हैं, अच्छी डॉटर्स भी हैं, वो तमाम रिश्तों में, तमाम जो उनको अल्लाह ने रिलेशंस दिए हैं, वो उसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। इवन क्यों सेक्रीफाइस ज़्यादा करती हैं जी, बेटियाँ हैं तो बाप के लिए कर रही हैं, अगर बहनें हैं तो भाइयों के लिए कर रही हैं, और बीवी बेचारी है तो मजलूम बन जाती है, वो बहुत सारी जगहों पर शौर जालिम समाज बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, अल्लाह ने सबको, डॉक्टर रशीद साहब हंस रहे हैं, अल्लाह ने सबको सबको पैदा किया, सबको जीने का आके तो जिए और जीने दें, थोड़ी सी जिंदगी है उसको हंस के बसर कर लें, और ये वजूद जन से है कायनात में रंग, ये मान लें, ईगो प्रॉब्लम ना बनाए, तो अगर खावतीन ना हो तो रंगी ना हो दुनिया में। बेहतरीन बात की आपने सविन साहब। सरवा साहब क्या कहेंगे आप? सरवा साहबा ये बताएं कि खावतीन किस प्लेटफॉर्म पे आप देख रही हैं आजकल? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने। असल में देखिए, ये जो लिमिटिंग बिलीव्स है ना, ये भी बचपन से ही औरत के जहन में डाल दी जाती हैं कि आपको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपका काम सिर्फ डिलीवर करना है, आपको सिर्फ जो है जिम्मेदारियां पूरी करनी है। तो जाहिर है जब ये मेरे ख्याल में तो ये ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, लोग बेटा बेटी दोनों को जो नेमत और रहमत अल्लाह ने जिससे नवाजा है, जो मैं आप कह रही हूँ ना आपको कि हमें दीनी पर्सपेक्टिव भी लेने की ज़रूरत है। ये जो बुराइयां आई थी ना, ये भी वेस्टर्न माशरे से ही आई थी। वेस्टर्न माशरे ने अपने इस आइडिया को चेंज कर लिया और ये हमारे पास रह गया, क्योंकि हमारा दीन तो हमें हमेशा बेटियों को बहुत पलकों पर बिठाने का हुक्म देता है। तो ये चीज़ चेंज हो रही है, और आई थिंक इसी तरह से इन प्लेटफॉर्म से हर लेवल पर, आई थिंक प्रोफेसर लेवल पे भी, बड़ों के बुजुर्गों के लेवल पे भी, और यूथ के लेवल पे भी, जब ये बात होती रहेगी तो ये लिमिटिंग बिलीव्स खत्म होंगी कि लड़की होना ये मतलब नहीं है उसका कि आप सिर्फ जिम्मेदारियां, आप मासी बन जाएं घर की, या बहू लाते वक्त या बीवी लाते वक्त आप ये सोचें कि ये खाना बनाएगी सिर्फ, बल्कि उसके बारे में भी सोचें कि उसके टैलेंट्स क्या हैं, उसकी सलाहियतें क्या हैं, उसकी पसंद क्या है, उसकी चॉइस क्या है। मैं कहती हूँ हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, वो है पावर ऑफ चॉइस। अगर एक औरत बाहर जाके अपनी तालीम को इस्तेमाल करके काम करना चाहती है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी ऑफिस में काम करना चाहती है, वो अपने ग्रेस के साथ वो उन चीज़ों को आप उसको अलाउ करें कि वो करें। और अगर उसकी ये चॉइस है कि मैं घर में रहना चाहती हूँ और मैं एक फैमिली रेस करना चाहती हूँ, मैं नहीं कमाना चाहती, तो उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें उसकी उस चॉइस को। तो ये है असल एम्पावरमेंट। सही। सरवत साहिबा ये बताएं कि काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है हमें? देखिए, काउंसलिंग की हमेशा ज़रूरत है और हर किसी को ज़रूरत है जी। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि एज अ पेरेंट, क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि जो हमारे पास, मैं क्योंकि एक साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ और मेरे पास लोग आते हैं, तो जो 95% ट्रॉमाज होते हैं ना लोगों के, जिस वजह से वो उनका बिहेवियर वैसा होता है या उनकी सोच वैसी होती है जो कि अभी है और जो उनको पीछे ले जा रही होती है, वो उसका ट्रॉमा, उसका जो रूट होता है वो चाइल्डहुड में ही होता है। ठीक है, तो बचपन का ही कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी बिलीफ, कोई ऐसी स्टकनेस होती है जिसकी वजह से वो वहाँ अटके हुए होते हैं और वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, ना रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह निभा पा रहे होते हैं, ना अपने आप को उस प्रॉब्लम से उभार पा रहे होते हैं। तो वो जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, जो प्रॉब्लम्स है, वो बचपन से अपने साथ अपने पैटर्न्स बना के लेकर चल रहे होते हैं। तो काउंसलिंग की ज़रूरत यहाँ है, मैं इसीलिए कहती हूँ, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आप जाके काउंसलिंग का वेट करते हैं कि करियर काउंसलिंग तब होगी या इमोशनल काउंसलिंग तब होगी, तो उसका वेट ना करें। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि हम पेरेंटिंग अपग्रेड प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम ये इमोशनल मेंटल फर्स्ट एड पेरेंट को बना रहे हैं। ओके, कि जैसे आप अपने घर में एक फर्स्ट एड का डब्बा रखते हैं, छोटी सी बच्चे को खराश आ गई, आप घर पे ही उसको डील कर लेते हैं, तो जो बच्चे को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स इस तरह के मेंटल इमोशनल आते हैं, वो भी पेरेंट और टीचर अवेलेबल हों कि बच्चे को शुरू से ही उन चीज़ों को डील कर लें, ताकि उच्च जिंदगी, आप देखें अगर शादी होने के बाद आपकी, आप रिलेशनशिप को ना निभा पाए तो बहुत जिंदगियां अफेक्ट होती हैं। तो क्यों ना बच्चों को उनसे पहले ये सारी इन चीज़ों की तालीमात, या जो भी मेंटल इमोशनल स्ट्रक्टनेस है, कोई ट्रस्ट के इश्यूज हैं, ये सारे बाद में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का वर्क प्लेस पे, शादी में, आपकी दोस्तियों में आपके लिए प्रॉब्लम बनते हैं। सरवत साहिबा बहुत अच्छी बात की ये, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब से भी पूछेंगे क्योंकि वो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। तो क्या काउंसलिंग होती है यूनिवर्सिटी में? काउंसलिंग आप करते हैं और काउंसलिंग की ज़रूरत कितनी है? पहली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग अब होती है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और उसकी ज़रूरत, ज़ाहिर है जब है तो ज़रूरत उसकी है।
और काउंसलिंग के बगैर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती. लेकिन आप जब बताएंगे नहीं काउंसलिंग उसको जी. बताते हैं आपके भाई देखें ये चीज़ पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और आपको इसके इसको करना है इसको अप्लाई करना है इसको आपने रिजेक्ट करना है तो काउंसलिंग तो ज़रूरी है. फिर जहाँ तक ख्वातीन का ताल्लुक है आपने बात छेड़ी जी जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर फ़ख्र है कि मेरे इस पर पूरी दुनिया में लाखों तलबा हैं उनमें ज़्यादा तादाद तालिबात की अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में हैं चाहे किस उसमें हैं. तो एक तो इससे मालूम हुआ कि भाई तालिबात की या ख्वातीन को इल्म हासिल करने का ज़्यादा शौक़ है जी. वो इल्म की तरफ ज़्यादा आती हैं और हमें चाहिए कि उनके इस ख्वाहिश को इस ज़रूरत को हम उसको प्रमोट करें इनक्रेज करें. फिर ये है कि देखें अगर वो तालीम हासिल करेगी तो उसका इम्पेक्ट तो पूरे माशरे पे पड़ेगा ना. वो जाके जिस तरह अगर तालीम आप ख़ुद देख लें कि एक तालीम याफ्ता खातून और एक न पढ़ी हुई खातून के बच्चों की तरबियत में ख़ुद आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं. लेकिन पढ़ी लिखी माँ जो है उसकी अप्रोच उसकी तरबियत और जो पढ़ी लिखी नहीं है उसकी तरबियत और होगी. तो एक तो ये है कि यहाँ 50% तो आपने कंट्रीब्यूट उनको करवा ही दिया कि आपने उनको तालीम दे दी और उस तालीम को बच्चों तक पहुँचाना. वो क्यों कहते हैं कि भाई जो है माँ की बच्चे की तरबियत या बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है क्यों? इसलिए कि वहीं से तो वो प्रमाण चढ़ता है. तो ये तो जहन में रखें कि दीन में या तमाम मज़ाहिब में न सिर्फ इस्लाम में तमाम मज़ाहिब में ख़वातीन को अहमियत दी गई है चाहे आप कुरान करीम की तलावत कर लें या पूरी बाइबल को पढ़ लें. दूसरी बात यह कि ख़वातीन को प्रैक्टिकल मैदान में आने में कोई पाबंदी नहीं है. जैसे आपने अभी एक प्राइम मिनिस्टर की बात की इस वक्त एक सूबे में चीफ मिनिस्टर भी हैं लेकिन उनकी कारकर्दगी बिजली की बिल तक तो उन्होंने कम कर दी है हम लोग बैठे. तो दरअसल होते ही है कि आप उनमें एक जज्बा है क्योंकि एक खातून ये समझती है कि भाई इस फैमिली के क्या मसाइल हैं मेरे इस माशरे के क्या मसाइल हैं मेरे सूबे के क्या मसाइल हैं मेरे इस मुल्क की खातून ही बेहतर समझते हैं ना. जब घर में भी तो मियाँ को वही बताती है ना. मियाँ तो नहीं देखता कि भाई आज हल्दी नहीं है फलानी वही तो बताती है ना. तो असल तो यानी टीचर वही है वो ना सिर्फ बच्चों की टीचर है बल्कि अपनी मियाँ की भी टीचर है कि मियाँ को भी वो गाइड करती है. और तो असल ये है कि दोनों मिल कर जब मर्द और औरत लेकिन औरत का मकाम इसलिए ज़्यादा है कि उसको तरबियत दी गई है कि बच्चा लेकिन ज़्यादा वक्त किसके पास गुजारता है माँ के पास. तो इसीलिए हमें जो तवज्जो देनी है वो बच्चों के साथ साथ ख्वातीन भी देनी है और एक ऐसा माशरा एक सोसाइटी डेवलप करनी है कि जिसमें बच्चों की तरबियत भी हो और ख्वातीन को ये मौका दिया जाए तो वो अपनी तमाम सलाहियतें पर देखें ना. हम बात करते हैं हमारे मसले भी मशहूर हैं कि भाई ये जो है फलां बच्चा अरे भाई वो बहुत उसके ये दूध का असर है भाई दूध का असर है क्यों कहते हैं जी, वो इसलिए कहते हैं कि वो तरबियत है उसमें जी, तो ये सब चीज़ें जब हम देंगे तो इंशाल्लाह इसके नतीजे में जो हम चाहते हैं कि एक ऐसा माशरा कायम हो कि जिसमें एक बच्चे को मर्द हो जन को सबको अपने हुकूक यानी हर एक न सिर्फ अपने हुकूक के लिए अपनी जिम्मेदारियों को तो अगर हम अपनी जिम्मेदारियां अदा कर लेंगे तो फिर हुकूक के निस्वा हो या हुकूक के तिफला हो वो सब हमें मिलकर रहेगा और इसी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए. डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब आखिर में मैसेज जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है. तो भाई मेरा मैसेज तो बड़ा हमें तो पहले तो मैं आपके आवाज टीवी मुरीद साहब और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये टॉपिक और मैंने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों प्रोग्राम मुख्तलिफ टीवी के किए हैं लेकिन ऐसा होस्ट कि जो पूरी तैयारी के साथ आया हो मुझे आज खुशी हुई और ये भी खुशी हुई कि वो एक खातून है. ठीक है ना. ये बड़ी बात है कि एक खातून इस तरह तैयारी करके आती है और पूरे और फिर ये हमारा इस वक्त जो टॉपिक है ये सिर्फ बच्चों का टॉपिक नहीं था बल्कि ये डाइवर्सिटी थी इसमें जी, और जी, उसने डाइवर्सिटी को आपने जिस तरह एक यूनिक अंदाज से पेश किया तो इसके लिए आप भी मुबारकबाद हैं. और देखने वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ महसूस करें अपने बच्चों की सही तरबियत करें अपनी ख्वातीन की चाहे वो आपकी बीवी हो माँ हो बहन हो उसको रिस्पेक्ट दें तो फिर दोनों मिलकर एक ऐसा रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा कि इंशाल्लाह हमारा ये मुल्क हमारी ये ममलकत एक बेहतरीन ममलकत होगी और एक हमारी सोसाइटी ऐसी होगी कि जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि वी वांट ए हेल्दी सोसाइटी और उसी की तरफ इंशाल्लाह हम जा रहे हैं. और ये आवाज़ ने आज यानी इसी की
उसी को हम एक आवाज़ समझकर पूरी कम्युनिटी तक पहुंचाएंगे, बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी तक हमें पहुंचाना है इंशाल्लाह। बेहतरीन सरवर साहिबा, मैसेज देना चाहें जी, क्योंकि आज आपका टॉपिक माशाल्लाह यूथ और यूथ डेवलपमेंट के ऊपर था और हमने पेरेंटिंग के परस्पेक्टिव से उसको देखा, तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज खास तौर से देना चाहूँगी कि अब हमें ट्रायल एंड एरर से सिर्फ बच्चों को बड़ा नहीं करना, बल्कि इसके बारे में सोच विचार करके और पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना है। और जब बच्चे हमारे पास आ भी जाएँ तो उनकी डिवेलपमेंटल नीड्स और होलिस्टिक तरीके से जो उनकी जितनी एरियाज ऑफ लाइफ हैं उन सबको देखते हुए और उन सब चीज़ों में हमें कोई ना कोई अपना इनपुट देना है, बेहतरीन तरीके से इनपुट देना है और उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है ताकि वो एक मुकम्मल इंसान बन सके। बेहतरीन सविन साहिबा, सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी आप आवाज़ की पूरी टीम को कि मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आवाम के सामने लेकर आ सकूँ। और ये भी कहना चाहूँगी कि यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और एडवाइस में ये कहना चाहूँगी कि शिकायतें लेस करें और अपना प्रैक्टिकली पार्टिसिपेशन ज़्यादा रखें सोसाइटी के लिए। तो जो शिकायतें ज़्यादा करते हैं वो कुछ नहीं करते, जो करके ज़्यादा दिखाते हैं तो फिर वो शिकायतें नहीं करते। तो चेंज योर सेल्फ देन विल चेंज दी सोसाइटी। बेहतरीन बेहतरीन सबीन जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आई, सरवत साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर अब्दुलरशीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए और बेहतरीन बातें की। नाज़रीन उम्मीद कयां थी जो को प्रोग्राम तक जरूर पसंद आयो हों और जी मैसेजेस आने जरूर गौर कजो, असन में वो सबक समझाणी होंगी है असें पैंजे बार जरूर गौर करण खे तो कड़ी एक्टिविटीज़ में मुलविस डल तो एक्टिव तब छोन छो तो एक्टिविटी भी हर एक्टिविटी सही ना होंगी, मे बी का गलत एक्टिविटी भी हुए तेकर भी बार इलाही एक्टिव थी वो है। सो प्लीज़ पैं बार फोकस कर नज़र रखो, उन्होंने तवज्जो जो मरकज़ जरूर बनाओ। इन बेहतरीन मैसेज से गुड मुख्य यानी कि सबाबड़ो के दींदा इजाज़त, पैं खोर सारो ख्याल रखा, अल्लाह हाफिज़।